कि आपकी जिंदगी बहुत मस्त है। वैसे मस्त उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि आपका नाम कुछ ऐसा है जो आपका नहीं रहना चाहिए था नाम, मगर फिर भी आपने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाने के बारे में सोचा था कि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए, लेकिन फिर आपकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हो जाती है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या जिंदगी तबाह हो जाएगी या फिर जिंदगी आबाद हो जाएगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नासा रख दिया गया रहता है और इसके पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स रहते हैं। अब बच्चे का नाम नासा रख दिया गया रहता है तो बच्चे को आती है बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई इसका नाम का मजाक उड़ाता था। छोटे बच्चे हमेशा इसे परेशान करते थे, नासा नासा बोल रही, और आप सबको पता है कि नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। तो अब इसने फैसला कर लिया रहता है कि ये सबसे बदला लेके रहेगा और नासा से भी आगे बढ़ेगा, मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा रहेगा। और फिर ये पढ़ाई करना एकदम शुरू कर देता है, सोचता है कि मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। फिर बहुत ज्यादा पढ़ता है, सिर्फ सक्सेस चाहिए रहती है और कुछ भी नहीं, बॉडी भी बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे फाइनली बड़ा हो गया रहता है और कॉलेज के दिनों में एकदम आ गया रहता है। इसकी टीचर कहती है कि तुम्हें किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर लेना चाहिए बैकअप के लिए और पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, मगर नासा कहता है कि नहीं, मैं अपने में ही दमदार हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि आखिर मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सो अगले दिन ये अपना ग्रेड देखते हुए जा रहा होता है जो काफ़ी अच्छा आया हुआ रहता है। तब तक इसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि बहुत सुंदर रहती है और सोच रहा होता है कि काश काश ये मेरी वाइफ होती, वैसे ये सचमुच बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और ऐसे ही वो देखते देखते जा रहा होता है और बंदे की नज़र बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक को ने अपना काम कर दिया। लेकिन नहीं, ये इसकाई नहीं होने वाला है क्योंकि अभी इसका मरने में थोड़ा सा टाइम बाकी रहता है। और सोच रहा था क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, मैं तो उसका नाम भी नहीं जान पाया। हमें पता लगता है कि इस लड़की ने उसकी जान बचा ली रहती है और वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, ड्राइवर भी रुक चुका रहता है, यानी ये इसे काई नहीं होने वाला है, इसकी जान बच चुकी है। अब ड्राइवर कह रहा होता है कि लड़की को कि तुम्हें तुम्हें भी बहुत चोट आई है, तुम्हें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए मेरे साथ, लेकिन वो चली जाती है और ये रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि रुको मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, ये उठ भी नहीं पा रहा होता है। फिर हमें एक प्रिंसेस की कहानी बताई जाती है जहाँ पर मून प्रिंसेस चली रहती है और ना ही उसके फादर ना ही कोई भी उसे नहीं रोक पाया था। ये एक जापानीज मिथिकल स्टोरी होती है। अब वो लड़की चली गई रहती है तो नासा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो लड़की कहाँ पे गई है। वो ड्राइवर उसे बताता है और फिर नासा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए, बाय बाय मिस्टर। और यही कहने के बाद वो चला जाता है उस लड़की के पीछे। अब वो जा रहा होता है, सोचता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। फाइनली उसे वो बस स्टैंड पे दिख गई रहती है जो कि बैठी हुई रहती है। ये किसी भी हाल में वहाँ पे जाता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे सरवाइव करके आए हो, आओ चुपचाप मेरे बगल में बैठ जाओ। तो वो उसके बगल में बैठता है, फिर ये इसका ब्लड पोंछ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये उसे सूंघ रहा होता है और सोच रहा था कि यार लड़कियाँ इतनी अच्छी स्मेल करती है क्या। वो कहती है कि देखो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी हड्डियाँ भी टूटी हुई है पैर की और तुम यहाँ तक दौड़ के आए हो, मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा, तुम हॉस्पिटल चले जाओ और मैं अब चलती हूँ, ठीक है। और वो सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मतलब सही में, और बाहर स्नो हो रही है तो आखिर तुम कहाँ पर जाओगी। वो कहती है कि देखो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं जा रही हूँ। अब जैसे ही नासा सुनता है कि नहीं वो जाने वाली है तो वो किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, वो जा रही होती है। और ये सोचता है कि नहीं मैं इसे नहीं खो सकता हूँ, अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो बेहोश हो रहा होता है धीरे धीरे करके, मगर वो बेहोश नहीं होता और वापस से बाहर आ चुका रहता है। और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम मरने वाले हो। और फिर भी तब वो उसे मून प्रिंसेस की कहानी सुनाता है जो हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और फिर कभी वापस लौट के नहीं आ पाई थी। इसलिए वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। देखो मैं तुम्हारा नाम अभी तक जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। सो वो कहती है ठीक है हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये सुन के वो काफी खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में रहता है। पता लगता है कि ये वहां पे बेहोश हो गया था जैसे उसने मैरिज का नाम लिया था, और ये सोच रहा होता है कि लगता है अब वो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस दिन के बाद से अभी तक मैंने उसे देखा ही नहीं है, आखिर वो कहाँ पर है, तो मुझे खुद के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये चला जाता है, नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है, कॉलेज में बहुत ही अच्छा नंबर लाया था, प्लेसमेंट नहीं लेता है और ये एक दुकान में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि बंदे के पास एक रेंट का घर रहता है और कमाई भी अच्छी खासी रहती है, बहुत ज़्यादा पैसा इसने कमा लिया रहता है, 18 साल का हो गया रहता है, मगर पैसों का क्या फ़ायदा जब आपके पास मन पसंदीदा लड़की ना हो आपकी। तो अब ये पैसों का अचार डालेगा, बेल बजता है, तब देखता है कि वही लड़की रहती है। वो कहती है कि मैंने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मेरा नाम टी सुकासा है और मैं यहाँ पर तुमसे मैरिज करने के लिए आई हूँ जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और वो सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, आज मैं पहली बार एक लड़की के साथ रहने वाला हूँ, मतलब घर में आज तक हमेशा अकेले रहा है और ये वही लड़की है, मतलब इसे अपना प्रॉमिस याद था और ये मुझे नहीं भूली है।
ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये जगह भली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है इसके अंदर से। क्या मुझे इससे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहिए था? वो पूछता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे क्या? लेकिन वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और कहती है कि तुम्हें इस पे साइन करना होगा। वो एकदम चिल्लाने लगता है, क्या सचमुच ये मैरिज सर्टिफिकेट मेरे लिए? वो कहती है, नहीं करना ठीक है, मैं इसे वापस ले ले रही हूँ। तब वो कहता है कि नहीं, मैं इस मैरिज सर्टिफिकेट पर जरूर साइन करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। अब बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वो कहती है कि थोड़ा कम बोला करो वरना आस पड़ोस के लोग सुन लेंगे तो क्या होगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तो हमारी एज भी हो चुकी है। वो बताती है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे लेकिन इसमें नहीं लगते हैं, वैसे भी इसमें बस कुछ साइन चाहिए और कुछ भी नहीं। तो वो साइन तुरंत ही कर देता है, कहता है कि ऐसा मौका वापस से नहीं आने वाला है जिंदगी में, और ये बहुत ज्यादा खुश होता है। तब टी सुकासा अब पूरी तरीके से बन चुकी है इसकी वाइफ, समझे? अब बस इन्हें जाकर उस पेपर को सबमिट कर देना रहता है। और वो कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। उसके बाद वो जाने लगते हैं, यहाँ पर ये पेपर सबमिट करने के लिए जाने लगते हैं। वो कहता है, इतनी रात में वो लोग खोलते होंगे क्या? वो कहता है कि हाँ जरूर खोलते होंगे। फिर उसके बाद ये अपने नाम के बारे में बताने लगता है, नासा की किस तरीके से इसके पेरेंट्स ने इसका नाम रख दिया, और जो नासा है एक स्पेस एजेंसी है। वैसे टी सुकासा को ये सब पहले से पता रहता है, लेकिन वो काफी खुश रहती है और काफी ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। ये सोच रहा था, ये तो बिल्कुल मून प्रिंसेस की तरह लग रही है, मैं इसे वापस से नहीं जाने देना चाहता हूँ। इसका नाम भी कितना प्यारा है, टी सुकासा। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मेरी वाइफ बन गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वो लोग मैरिज ब्यूरो में पहुंच गए रहते हैं, जहां पर वो बंदा देख के कहता है कि हाँ तुम दोनों लीगल एज के तो हो गए हो। तो यहाँ पर उन्हें एक अजीब सा चीज भी दे देता है गिफ्ट के तौर पर। उसके बाद वो हाथ पकड़ने में थोड़ा सा शर्मा रहा होता है, फिर पकड़ भी लेता है, उसके बाद हाथ छोड़ भी देता है। मगर जो सुकासा रहती है वो कहती है कि अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, अब तो हम लोग ने शादी कर ली है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तो चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। सो उसके बाद दोनों बहुत ही कंफर्टेबली और प्यारे तरीके से घर जा रहे होते हैं। अब घर जाके पता लगता है कि मेरे पास एक ही बेड है। अब एक ही बेड पे हम लोग कैसे सोने वाले हैं दो लोग? हाँ भले मैरिज हुई है, लेकिन ये बेड बहुत ही ज्यादा पतला है। तो क्या था, नासा पूरा कैलकुलेशन लगाने लगता है कि किस तरीके से हम लोग सो सकते हैं, किस एंगल से सो सकते हैं, हाइट वेट लेंथ कितना होता है। फिर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरे हाँ, मैं उसे ऐसे पकड़ के भी सो सकता हूँ, ये तो एक नंबर आइडिया है, मजा ही आ जाएगा। सुकासा आती है और कहती है कि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ, तुम्हारे साथ तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ। तब वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगा, जो भी रहेगा मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। तो वो यहाँ पे अपना सूटकेस लेके आ गई रहती है। हालांकि अभी सुकासा का घर पता नहीं रहता और आज ये पहली बार इसके साथ में रहने वाला है। तो पूछता, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे क्या? वो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। और इसके आगे वो कुछ भी अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। और यहाँ पर इसका कॉफी गिर रहा होता है क्योंकि आज रात तो अभी इसी के साथ रहने वाली थी, ये लोग मैरिड थे। उसके बाद ये अपना साफ सफाई कर रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक ही बेड है और आज तुम यहीं पे रहने वाली हो, तो किस तरीके से हम लोग सोएंगे? तब कहता है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा, कहीं ना कहीं से तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, मैट्रेस जुगाड़ करूंगा या फिर कुछ भी। और सोचता है कि आखिर ये मुझसे प्यार क्यों कर रही है, आखिर भाई कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा? एक तो इसने मेरी जान बचाई, ऊपर से मैंने इस लड़की के लिए कुछ किया भी नहीं, और ये मुझसे प्यार करती है। क्योंकि सुकासा कहती है कि तुम्हारा नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम बहुत ही फ्रेंडली टाइप के बंदे हो, इसीलिए वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो कहता है, क्या सचमुच? वो कहती है कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। अब इसने सोच लिया रहता है कि ये सुकासा के लिए कुछ ना कुछ करेगा, मतलब ऐसे तो वो नहीं रहने दे सकता है क्योंकि ये लड़की भी उसे पसंद करती है और ये भी पसंद करता है। तो इसने फैसला कर लिया रहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा एकदम आराम से, पैसे तो बहुत रहते हैं अपने नासा के पास। तो वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ। तो वो कहता है कि ऐसे नहीं जाओगी, हम लोग चलते हैं, चलते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं, मैट्रेस खरीदते हैं जाके। वो कहती है, क्या सचमुच? वो कहता है कि हाँ चलो। तो उसके बाद वो लोग मैट्रेस खरीदने के लिए जा रहे होते हैं और मैट्रेस के लिए यहाँ पर बहुत सारे मैट्रेस रहते हैं, अब कौन सा चुना जाए? तो वो पूछ रही होती है कि इन मैट्रेस में डिफरेंस बता सकते हो कि आखिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है? तो नासा रहता है बहुत तेज बंदा, समझे? तो वो यहाँ पे मैट्रेस के बारे में डिफरेंस बता रहा होता है कि कौन सा मैट्रेस उसकी वाइफ के लिए कंफर्टेबल रहेगा और कौन सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये सुनकर सुकासा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वाह, मेरा जो हस्बैंड है वो तो बहुत ज्यादा मतलब कमाल का इंटेलिजेंट बंदा है, और ब्लश भी कर रही होती है। उसे ऐसा देख जो हमारा नासा है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसे इंटरेक्शन हुआ रहता है, और सोच रहा होता है कि वाह सचमुच काफी ज्यादा मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फाइनली अब उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया रहता है और सुकासा उसे खींच के लेके जा रही होती, कहती है कि चलो मजे करते हैं। और फाइनली उन लोगों ने मैट्रेस खरीद लिए रहते हैं। वो कहती है कि आ जाओ तुम भी यहाँ पे लेटो ना। और फिर ये सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो पूछती है कि तुम नहाने के लिए बाथटब नहीं है क्या? वो कहता है, मैं पब्लिक बाथ में जाता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अब वो कपड़े यहीं पे चेंज करने वाली रहती है, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं, वहाँ पे कपड़े चेंज करो। उसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो
अब ये पूरी तरीके से रेडी रहती है, उसका हाथ भी पकड़ती है और कहती है ऐसे ही पकड़ना चाहती हूँ मैं तुम्हें, और वह कपड़े चेंज कर रही होती है और ये सोचता है कि ओ माय गॉड पहली बार कोई कपड़े चेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा ठरकी से महसूस हो रही होती है। बंदा सही बोलो तो समझदार के साथ ठरकी रहता है, वो नाइट ड्रेस में आगे रहती है और इसके जाने की बारी रहती है। ये कहता है कि ठीक है मैं अपना ड्रेस चेंज करके आता हूँ, तब वो कहती है अरे जा कहाँ पे रहे, तुम चाहो तो यहाँ पर भी चेंज कर सकता हो। वो काफी शर्मा गया रहता है और कहता है कि नहीं ये ठीक बात बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नहीं चेंज करूंगा। और सोचता है क्या ये मुझसे सही में प्यार भी करती है या फिर बस दिखावा कर रही है। लेकिन जो भी बोलो यार लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नासा जब बाहर आता है तो देखता है सुकासा ने यहाँ पर अपना हेयर स्टाइल बदला हुआ रहता है और वो इसमें और भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो बताती है कि मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि रात में सोते वक्त बाल इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए मैंने ये हेयर स्टाइल रखा है। वैसे सच बोलो तो ये लड़की एकदम मास्टर पीस है, ऐसा नासा सोच रहा होता है। अब फाइनली सोने का वक्त इनका आ चुका रहता है, वो कहती है गुड नाइट डार्लिंग, दिल पे एकदम अटैक आ जाता है। अब इसे तो नींद आ नहीं रही होती है लेकिन वो सो गई रहती है क्योंकि उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे और अलग तरीके से चल रही होती है, तो ये उसे ही घूरता जा रहा होता है। हालांकि उसे नींद में चलने की बीमारी रहती है तो यहाँ पे इसके बाल भी खुल गए रहते हैं और फिर ये जाती है और जाकर पानी भी पी रही होती है। बहुत ही अजीब तरीके से हमें दिखाया जाता है कि एकदम घूम के पलट जाती है और ये किस करने जाता है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं ये स्पेशल मोमेंट है, जब वो उठी रहेगी तब मैं उसे किस करूंगा पहली बार। तो क्या होता है कि ये पानी पीने के लिए यहाँ पे चली जाती है, उसके बाद वापस आती है और सीधे इसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब ये सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे किस करने वाली है या फिर मुझे हक करने वाली है, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है, वो उसके ऊपर ऐसे लेट जाती है फिर रोल करते करते ऐसे चली जाती है और उसका पूरा चादर ही खींच लेती है। अब सुबह में समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे मेरे बाल खुले हुए हैं और ये चादर मैंने किसका ले लिया है, और वो उसे बता भी नहीं रहा होता। यहाँ पे ये अपना ड्रेस चेंज करने वाली रहती है लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं यहाँ पे मत करो मेरे सामने नहीं, लेकिन वो कहती है हम लोग तो मैरिड है ना। फिर वो दूसरी रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है और फिर वो टी सुकासा चैन कहता है, वो कहती है कि तुमने मुझे टी सुकासा चैन क्यों कहा, तुम्हें ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, बच्चों वाला नाम लगता है। लेकिन नासा उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हें सुकासा चैन ही बुलाऊंगा। वो कहती है ठीक है तुम्हें जो बुलाना है तुम वो बुला सकते हो और मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा, नासा चैन। हाँ और इधर ये लोग का मजाक चल रहा होता है क्योंकि वो इसे डार्लिंग बुला रही होती है और वो उसे सुकासा चैन बुला रहा होता है। असल में जो सुकासा सान या सुकासा चैन रहता है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो आपके बहुत ही डियर या लव्ड वंस रहते हैं, और जो हमारी सुकासा रहती है वो इसे डार्लिंग डार्लिंग बुला रही होती है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है सुकासा यहाँ पे रेडी हो जाती है, तभी नासा आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, लगता है जैसे तुम किसी की वाइफ हो। कहती है कि बेवकूफ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। नासा तो इसके बारे में भूल ही गया था कि अब वो इंगेज हो चुका है, मतलब शादी हो गई है। उसके बाद वो जाती है और फ्रिज में ढूंढ रही होती है कुछ खाने का सामान, तो वो काफी इंप्रेस हो जाती है क्योंकि नासा ने काफी सारा सामान रखा था और कहता है कि मुझे खाना बनाना भी आता है। वो कहती है कि वाह तुम तो सचमुच कमाल के हो। तब नासा बताता है कि मैंने अपना डाइट और अपना न्यूट्रिशिस्ट अपने तरीके से बनाया है और मैं सारे सब्जियों को जिस तरीके से उबाल के खाना रहता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी को मिले उस तरीके से बनाता हूँ। तब सुकासा कहती कि मैं तुमसे अच्छा खाना बना सकती हूँ, बस मुझे अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नासा सोचता है क्या सचमुच, और उसके बाद जब वो खाना बना के इसे देती है तो उसका खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है, नासा के खाने से बहुत ज्यादा टेस्टी, और सोच रहा होता है कि मुझ में और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, इसे बस इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके बाद ये सारा सामान बना लेती है। तब वो कहती है कि मुझे नहाना है, नहाने का सामान है क्या घर पे? वो कहता है कि नहीं। सब वो लोग नहाने का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है ना, लड़कियों का सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ वो लोग शॉपिंग मॉल से बहुत सारी चीजें उठाते हैं और नासा सोच रहा होता है अच्छा तो लड़कियों को अपनी स्किन मेंटेन करने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए रहती है, तभी तो मैं सोचू कि आखिर इसकी खुशबू इतनी ज्यादा बढ़िया क्यों आती है, वैसे ये नहाते वक्त कैसी लगती होगी। फिर उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं और ये बहुत ही ठरकी रहता है, तो वो लोग बाथ हाउस के पास पहुंच गए रहते हैं जहाँ पर इस लड़की का नाम कमाने रहता है, वो इसे इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि जो हमारा नासा है वो रेगुलरली यहाँ का कस्टमर रहता है और यहाँ आते रहता है। कमाने सोचती है कि ये इसकी बहन है क्या, और फिर वो कह रही होती है कि आई आइए मैं 15 साल की हूँ, तो इसकी उम्र 15 रहती है, नासा की उम्र तो आप सबको पता रहता है। और नासा कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरी वाइफ है। तब कमाने कह रही होती क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं शादीशुदा इंसान हूँ। तब वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अच्छा खैर छोड़ो तुम लोग की शादी हो गई तो आइए आज आप लोग फ्री में नहा सकते हैं। वो तो चली जाती है लेकिन फिर वो इसे रोक देती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी वाइफ जा सकती है। अच्छा मुझे बताओ तुम शादी कैसे कर सकते हो, मैंने सोचा था कि जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब तुम हार मान लोगे और फिर तुम रोते हुए मेरे पास आओगे और फिर मैं तुमसे कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, तुम एक नंबर के परवर्ट हो। और फिर देती है उसे जोरदार मुक्का और बताया जाता है हमें कि जो हमारी सुकासा है वो उसकी उम्र नासा से कम रहती है, समझे।
थोड़ा सा कम रहता है। और फिर उसके बाद वो पूछ रही होती है कि अच्छा बताओ वो तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें उसे खुश रखना पड़ेगा, मतलब तुमने कसमें तो खाई होगी कि तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना पड़ेगा, और वेडिंग सेरेमनी का क्या, वेडिंग रिंग का क्या। नासा को ये सारी चीजें बेकार लगती, कहता है कि इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है, मुझे ये सब नहीं करना है। तब कमानी उसे बोल रही होती है कि अच्छा देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सब पे पैसे खर्च करने चाहिए, वेडिंग रिंग पे करनी चाहिए, और वेडिंग का क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा खुशहाल और सुंदर लड़की है, तुम उसे ऐसा क्यों कर रहे हो। और हाँ मुझे लगता है कि तुमने आया को भी इसके बारे में नहीं बताया होगा, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं। वो कहता है कि हाँ मैंने आया को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सुकासा को हमेशा खुश रखूंगा भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और सुकासा सुन लेती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेना रहता है, वो भूल गई थी। वो कहती कि ऐसे जोर जोर से चिल्ला के सबके सामने मत बोला करो, लेकिन मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा कि तुम मेरी परवाह करते हो। अब यहाँ पे नासा भी काफी शर्मा गया रहता है, और सुकासा शर्मा के अंदर वहां पे चली गई रहती है नहाने के लिए। आगे हमें पता चल लगता है कि ये नहा रहा होता है, तब सोच रहा होता है, अजीब सा इमेजिनेशन इसका चल रहा होता है कि ओ माई गॉड क्या होने वाला है। तब तक कमाने आ जाती है और वो कहती है कि ओ माई गॉड इतना छोटा, और फिर वो तुरंत ही डुबकी मार लेता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि बहुत छोटा है, अरे तुम्हारा हाइट बहुत छोटा है, तुम क्या समझ रहे हो, मैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये देखती है कि रूम पूरा खाली है, तो ये यहाँ पे नहाना शुरू कर देती है। तब तक एक और लड़की वहां पे रहती है, और ये इस स्टोर की बड़ी लड़की रहती है, समझे, मतलब जो कमाने इसकी छोटी बहन है, और इसका नाम आया रहता है। ये कहती है मुझे माफ करना, मैं सो गई थी, मुझे लगा था कि कस्टमर के आने से पहले मैं उठ जाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे आ गई, मुझे माफ करना, कहीं आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। सुकासा कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन वो पता नहीं ऐसे क्या क्या बोल रही होती है, जहाँ पे सुकासा को काफी हर्ट महसूस हो रहा होता है। आया कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है, लाइए मैं आपकी पीठ रब कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे वो उसकी पीठ रब कर रही होती है, इसका हालचाल पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनामी यहाँ से जा ही नहीं रही होती, और इसे नासा को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। आगे जो सुकासा रहती है वो उसे पूरा नाम बताती है कि सुकासा युजाकी रहता है, और नासा का ही पूरा नाम युजाकी रहता है। तो वो सोच रही होती है कि ओ मुझे लगता है कि ये सुकासा उसकी रिलेटिव लगती होगी, मतलब कोई बहन लगती होगी या फिर कुछ लगती होगी, क्योंकि उसे नहीं पता रहता है कि हमारे नासा ने इसके साथ इंगेजमेंट कर ली रहती है। फिर वो बड़े अजीब तरीके से बोल रही होती है, ऐसा बोल रही होती है जहाँ पे हमारी सुकासा को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो आया है, पता नहीं जब भी मैं इसे सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे याद दिला रही है नासा की। नासा आराम कर रहा होता है, सुकासा आती है और उसे उठा देती है, कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। वो शर्मा जाता है। तब तक वहां पे आया भी आ चुकी रहती है, और आया सोच रही होती है कि अभी भी ये दोनों भाई बहन ही है। और फिर वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सारी बातें हाँ हाँ कह देता है, क्योंकि वो कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली में से है ना, तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद ये अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे इनका जो स्पा है वो एकदम गरीबी में एकदम डूबने वाला था, क्योंकि ये इसकी ग्रैंड मदर का स्पा है जहाँ पे सभी लोग नहाते हैं, लेकिन फिर जो हमारा नासा रहता है इनकी मदद कर देता है, अपना दिमाग लड़ा देता है, और फिर इनका जो स्पा है वापस से चलने लगता है, इसलिए लोग नासा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। सुकासा सोचती है कि वाह मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा बढ़िया है। आया फिर से पूछती है कि ये तो तुम्हारी फैमिली मेंबर है ना। अब नासा को ऐसा लग रहा होता है कि आया सोचती है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन आया ऐसा नहीं सोचती, वो तो सोचती है कि इसकी बहन है, तो वो हाँ कह देता जब वो है। लोग घर जाते हैं तो वो आया के बारे में पूछती है, तब ये बताता है कि हाँ आया मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, क्योंकि नासा उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। तो सुकासा को यहाँ पे जलन होती है क्योंकि आया काफी ज्यादा क्यूट थी, और जब वो कह रही होती है तो ये यहाँ पे अलग ही समझ रहा होता है, नासा समझ रहा होता है कि इसने ना ही इसे वेडिंग रिंग दी है और ना ही वेडिंग अच्छी तरीके से करवाई है, शायद इसलिए सुकासा इतनी ज्यादा नाराज है। लेकिन सुकासा के कहने का यहाँ पर कुछ और मतलब रहता है, और वो नाम नहीं लेती है लेकिन फिर भी कहने की कोशिश कर रही होती है। तो दोनों को गलत गलत फहमी हो रही होती है, कोई कुछ और कहना चाहता है और ये कुछ और कहना चाहता है, ये ना ये अलग कह रही होती है और ये अलग समझ रहा होता है, और ये अलग कह रहा होता है वो अलग समझ रही होती है। सो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें खुश रखना मेरा काम है, और तुम कितनी ज्यादा प्रीटी हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम जरा एक मिनट रुको मुझे सोचने का वक्त दो, और ये लो घर की चाबी, तुम घर चली जाओ मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में। यहाँ सुकासा को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या करने जा रहा है, लेकिन इसे लगता है कि ओ माय गॉड यही करना है मुझे। उसके बाद क्या आता है, एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोचती है अच्छा, और फिर ये घर में आ गई रहती है। तो अब घर में आने के बाद ये सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नासा खुश हो जाए, ताकि वो भी आया की तरह मुझ पे ध्यान रखे। तो वो सोचती घर साफ कर दूँ, लेकिन घर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा साफ रहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे कबर्ड में देखना चाहिए, क्योंकि वो कबर्ड में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें छुपा के रखता होगा, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ ताकि वो फिर खुश हो जाए और फिर मुझे प्यार करेगा। लेकिन तब तक कोई आ जाता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, और वो कहती है बड़ी बहन आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो तुम हमारे घर को छोड़ के इस अपार्टमेंट में रह रही हो। लेकिन ये तुरंत ही गेट बंद कर देती है, और ये गुस्से में कह रही होती है कि चलो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, दरवाजा खोलो। सुकासा वापस से दरवाजा खोलती है और कहती है कि देखो
मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन ये कह रही होती कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। और फिर ये बताती है कि मैंने शादी कर ली है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी जो छोटी बहन जिसका नाम चितोसे रहता है वो कहती है कि क्या तुमने शादी कर ली, लेकिन किससे कर ली, तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। वो कहती है कि देखो तुम्हारा इससे जानने का कुछ भी रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, अब चली जाओ चुपचाप यहाँ से, समझी। तो मैंने शादी कर ली है और तुम्हें इसके बारे में मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो वो बंद कर देती है दरवाजा। अब उसकी मुलाकात यहाँ पे नासा से होता है। वो कहती है कि तुम ऐसे रो मत, मुझे रोती हुई लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब ये बता रही होती है कि मेरे बहन ने किसी से शादी कर ली है और वो घर से भाग गई थी। वो एकदम तितली की तरह है, कहीं भी कभी भाग जाती है। और मुझे उस बंदे के बारे में पता लगाना है जिसने मेरी बहन से शादी की। वैसे मिस्टर आपका नाम क्या है? तभी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नासा है, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी वहां से सुकासा चिल्लाती है कि ओ डार्लिंग तुम आ गए। अब डार्लिंग उनके चितोसे समझ चुकी रहती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन का हस्बैंड है। चितोसे तो यहाँ पे आग बबूला हो गई रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा तो तुम ही हो वो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर सुकासा पीछे से आती है और बताती है कि ये मेरी छोटी बहन है। और नासा यहाँ पे सारी बातें समझ चुका रहता है। वो काफी अच्छी तरीके से इसे ग्रीटिंग कर रहा होता है कि मेरा नाम नासा युजाकी है। लेकिन यहाँ तो चितोसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे जैसे चोमू से क्यों शादी करेगी ये। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, लेकिन ये उससे अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन कर रहा होता है और कहता है कि आओ चलो घर में चलते हैं फिर बात करते हैं आराम से, और काफी अच्छी तरीके से व्यवहार भी कर रहा होता है। लेकिन चितोसे को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और ये अपना अलग अलग लेसन भी उसे समझा रहा होता है। चितोसे कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे कार में डाल के चली जाती है और फिर पूछ रही होती है कार में, तुम मेरी बहन तुमसे शादी क्यों करेगी, आखिर तुम में ऐसा क्या खास बात है। तब नासा सोचता है लगता है मैं कोई हैंडसम सुपरस्टार हीरो हूँ इसलिए उसने मुझसे शादी की है। तब वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लोग घर में आ चुके रहते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तुम लोग का डाइवोर्स करवाऊंगी किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर उन लोगों ने मेड्स को बुलाया रहता है जहाँ पर मेड्स के साथ इसे फोटो लेना रहता है। सो एक मेड तो एकदम रेडी रहती है, वो तो यहाँ पे अपने कपड़े भी उतारने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि नहीं कपड़े नहीं उतारना है, किसी भी तरीके से हमें फोटोशॉप करना है जहाँ पर हमें नासा को ऐसे दिखाना है कि एक नंबर का परवर्ड है, समझी, और फिर हम लोग इसका डाइवोर्स करवा देंगे। तो वो कहते हैं कि अरे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये नासा यहाँ से भाग गया रहता है। असल में ये घर तो हमारे सुकासा ही का रहता है, तो उस पर खुशबू आ रही होती है सुकासा की। फिर वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उससे एक पत्थर दिखाई देता है, और ये पत्थर नॉर्मल नहीं रहता है, ये मून से लाया गया स्पेशल पत्थर रहता है और अंदर में गैस भरी हुई रहती है, जिस गैस की वजह से इस पत्थर का अभी भी जो जीवन है वो चल रहा होता है एक तरीके से, तो पूरा कंटेंट रहता है। और ये सोच रहा होता है कि इसमें से सुकासा की खुशबू आ रही, तब तक वो मेड आ जाती है और कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, रूल्स तो रूल्स होते हैं। यहाँ पे वो हमला करती है लेकिन वो कांच में टूट जाता है जहाँ पर गैस लीक होने लगता है। अब उन्हें डर लगता है और वो कह रही होती है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तब हमारा नासा ठीक करने लगता है और कहता है कि पत्थरों के बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग की है, मुझे सारी बातें अच्छी तरीके से पता है। चितोसे कहती है कि क्या तुम मेरी बहन के बारे में जानते हो, उसकी सच्चाई के बारे में। नासा कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो काफी ज्यादा क्यूट है और उसके हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो खाना बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि बेवकूफ ये सब मैं भी जानती हूँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मेरी बहन है कौन, और वो मेरी ब्लड रिलेटेड बहन नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ था कि मैं गिरने वाली थी, फिर उस दिन सुकासा आ जाती और उसने मेरी जान बचाई थी। तो मैंने कसम खा ली थी कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे और मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे शादी की क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो। लेकिन ये कह रहा होता है क्योंकि मैं हैंडसम हूं ना इसलिए मुझसे शादी की है। अब इन्हें गुस्सा आ रहा होता है तो ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका बैंड बजाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे फोटो ले लिया जाता है इसका, उसके बाद फोटो शॉप किया जाता है और फिर ऐसा फोटो बना दिया जाता है जैसे ये कितना ज्यादा ठरकी है। वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुकासा आके वो फोटो देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। चितोसे कहती है कि देखा ये कितना बड़ा पर्वत है, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। तो सुकासा उसे वहां बुलाती है और कह रहा होता है कि नहीं सुकासा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फोटोशॉप है। सुकासा कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और मैंने तो वो गुस्सा इसलिए किया था कि मैं तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल सकूं, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे वो उसे एक सीक्रेट जगह से लेके जा रही होती है जिस जगह के बारे में चितोसे को भी नहीं पता हुआ रहता है। और ये लोग एक आगे रहते हैं चर्च में, तो यहाँ पे चर्च देख रहा होता और फिर वो देख रहा होता है ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे जैसे ही वो कुछ कहने वाली रहती है लेकिन हमारा नासा रहता है वो उसके और भी क्लोज आ चुका रहता है। उसके बाद नासा उसे जोरदार किस करते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँ। नासा को देखना रहता है टीवी, तो वो कहती है कि टीवी कहाँ पर है। तब नासा उसे बताता है कि मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ तो मैंने टीवी नहीं रखा है। अब ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ मजा है फिर नहीं है, हाँ बताओ
बताओ, इतने सारे शोज है, तुमने आज तक कभी ये शो देखा है? वो बहुत ही फेमस फेमस शोज के नाम ले रही होती है और कहती कि आखिर तुमने अपनी जिंदगी में किया क्या है यार, मतलब ना तुम्हारे पास टीवी है कुछ भी, तो तुमने मजे कैसे किए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि किसी के पास टीवी नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है आजकल नए नए शोज की सीक्वल आने लगे, इतने मस्त सीजन आने लगे हैं और ये सारी चीजें बहुत सब दिखाते भी हैं। मैं तो तुम्हारे साथ किसी मूवी का सीक्वल देखना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, और यहाँ पे बताओ तुम्हारे पास टीवी नहीं है। अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन नासा कहता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग टीवी खरीद लेते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम बताओ किस तरीके की टीवी मुझे खरीदना है। तो वो कहती कि तुम्हारा जैसा मन तुम वैसा टीवी खरीद सकती हो, लेकिन अभी भी वो उसे शोज के बारे में ही बता रही होती है क्योंकि सुकासा को मूवी देखना बहुत पसंद रहता है और नासा सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये बहुत ज्यादा शांत और क्यूट लगती है, लेकिन जब मूवीज के बारे में बात आती है तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लगता है मुझे इसके लिए टीवी जाकर खरीदना ही पड़ेगा। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि टीवी जाकर खरीदेंगे। उसके बाद ये लोग चले तो गए रहते हैं, लेकिन नासा को पता नहीं रहता है कि कौन सा टीवी खरीदा जाए, ओलेड खरीदा जाए या फिर एलसीडी खरीदा जाए, मगर सुकासा को तो अच्छी तरीके से पता रहता है, तो सुकासा उसे बता रही होती है और ये काफी इंजॉय कर रहा होता है कि वाह इसे तो सारी चीजें पता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा लगता है। और वो पूछता है कि कौन सा टीवी एक्सपेंसिव या सस्ता था, वो कहती है कि डार्लिंग मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी मुझे खरीदो। पिक्चर क्वालिटी से मतलब नहीं है, उस मूवी की क्वालिटी कैसी मुझे इससे मतलब है कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं कमाने के पास, जहाँ पर वो कमाने को बताता है कि उसने चर्च में क्या क्या किया था हमारी सुकासा के साथ, मतलब डायरेक्ट किस कर लिया था। कमाने कहती है कि वाह तुम लोग की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, वैसे रिंग का क्या हुआ, क्या तुमने उसे मैरिड रिंग दी? वो कहता है कि अरे इन सब चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना था। वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कह रही होती कि बेवकूफ़ कहीं के, वो तुम्हारे साथ बस अच्छा दिखने का नाटक कर रही है और कुछ भी नहीं। हर लड़की को अंदर से मन करता है कि उसका हस्बैंड उसे ला के वेडिंग रिंग दे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहती है वेडिंग रिंग। वो चाहती है कि तुम उसे ला के दो, लेकिन वो तुमसे डायरेक्टली नहीं कहने वाली, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें जाकर उसे देना चाहिए। अब ये उसकी बात पे गौर कर रहा होता है और सोचता है क्या मुझे सचमुच ला कर देना ही पड़ेगा। वो कहती है कि हाँ बेवकूफ़ कहीं की, और ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी लगेगी इसमें लाने में। दूसरी तरफ ये सोच रही होती है उसी चर्च वाले इंसिडेंट को लेके कि अचानक से उसने मुझे किस कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा नासा यहाँ पे एकदम बोल्ड था ना उस वक्त। और फिर जब वो बाहर निकलती है तो नासा देख रहा होता है कि ओ माय गॉड मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ जब ये नहा के बाहर निकली, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं कमाने के सामने में, तो वो कहता है कि चलो चलते हैं। अब घर जाते जाते ये बता रहा होता है कि आज रात मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, 9 बजे तक मैं आऊँगा। और तो वो कहती है कि अच्छा चलो तो मैं तुम्हारे साथ एक जगह पे चलना चाहती हूँ। ये सोच रहा होता है कि ये कहाँ पे जाना चाहती है, तब ये उसे पार्क में लेके आ गई रहती है। हालांकि पार्क में यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, एकदम शांति जगह रहती है, तो नासा उसके बगल में आके बैठ गया रहता है। अब सोच रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, और अभी हमारी सुकासा नहा के आई हुई रहती है तो काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा होता है। अब बंदा बहुत ही टर्की रहता है एक तरीके से, मैं बता दूँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और ऊपर से हमारी सुकासा इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी रहती है तो मौके का फ़ायदा उठा के सीधे डायरेक्ट किस कर लेता है। अब दिक्कत की बात यह रहती है कि कोई वहां रहता नहीं है सिवाय इन दोनों के, इन दोनों ने देख लिया रहता है। सुकासा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठरकी गई कि कोई देख लेगा? तो वो कहता है कि अरे कोई भी नहीं और मुझे माफ कर देना, लेकिन इन लोगों ने तो देख लिया रहता है। अब देख लिया रहता है तो वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहाँ ये पर दोनों दोनों अपना अपना बात कर रहे होते हैं किस को लेके, और बहुत ज्यादा ये लोग शर्मा रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने किस देख लिया रहता है, और ये कहते हैं कि तुम एक नंबर के परवट हो। अब नासा का जाने का वक्त आ गया रहता है और कहता है मान लो अगर मैं वापस आया हूँ तुम नहीं रही तो? तब वो उसके लिप्स पे ऐसे रख के उंगली कह रही होती है ठीक है तो तुम जल्दी आने का ट्राई क्यों नहीं करते अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी तो। नासा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो गया रहता है। अब यहाँ वो चला गया रहता है और ये काफ़ी खुश थी। अब सोच रहा होता है कि क्या मुझे सचमुच उसे वेडिंग रिंग ला के दे देनी चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे उसे जाकर एक वेडिंग रिंग दे देनी चाहिए क्योंकि मैं उसे काफ़ी मिस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वेडिंग रिंग होती ही इसलिए है कि जब एक दूसरे को हम लोग मिस करें तो हम लोग उस वेडिंग रिंग को देखें और फिर हमें ऐसा लगे कि वो पर्सन जो भी है आपके साथ में है और आपके पास में, तो मुझे वेडिंग रिंग ला के देनी चाहिए। अब यही चीज़ नासा एकदम काम करते वक्त सोच रहा होता है, उसके पास पैसे भी बहुत रहते हैं वेडिंग रिंग खरीदने के, सो इसलिए वो घर आता है और पूछता है डार्लिंग कैसी हो, और फिर वो कहती है कि ठीक हो डार्लिंग। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है वेडिंग रिंग के बारे में और बोलता है कि मुझे वो लेना है तुम्हारे लिए, गिफ्ट में लेना है। तो यहाँ पर उसे पता लगता है कि जो वेडिंग रिंग होती है वो अलग चीज़ होती है, और इसके अलावा हमें बताया जाता है कि ये इसकी 3 महीने की सैलरी से आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप की होती है। एक इंगेजमेंट रिंग रहती है जिसे आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, और लड़कियां इसे शो ऑफ करने के लिए भी मगर जो पहनती है। वेडिंग रिंग रहता है उसे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही उंगली में पहनते हैं, और दोनों का एकदम रिंग भी सेम रहता है, और इसे आपको हमेशा पहनना रहता है, ये इंगेजमेंट रिंग की तरह नहीं होती है और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये रिंग ज़रूर खरीदूंगा, बताओ कितना? आखिर 3 महीने का सैलरी ना लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो सोचती है कि ये कितना बड़ा गधा है, इसे पता नहीं है कि आखिर रिंग्स कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
मगर अब इसने फैसला कर लिया रहता है नासा ने। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिंग खरीदूंगा, इसका मतलब खरीदूंगा, मैंने सोच लिया, क्योंकि ये मेरे प्यार दिखाने का एक तरीका है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया रहता है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो सोचती है कि एक नंबर का गधा है ये। फिर जब वो लोग जाते हैं तब इसके होश उड़ चुके रहते हैं, क्योंकि एक डायमंड का रिंग खरीदने में लगभग लगभग 3 लाख रुपए लगने वाले थे वहां के हिसाब से। और वो बताती है कि ये तो सर यहाँ का सबसे ज्यादा सस्ता है, क्योंकि हमारे डायमंड्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर है, इसलिए यहाँ पर पैसे कुछ थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे पास और भी ज्यादा महंगे वाले हैं। बताइए आप कौन सा देखना चाहेंगे। अब 3 लाख ही सुन के तो इसका होश उड़ चुका रहता है और सोचता है इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही खरीद सकता हूँ। वैसे इनकी कंपनी बहुत ज्यादा महंगे में बेच रही होती है। तो कहता है ठीक है, एक एक डायमंड रिंग दे दीजिए। लेकिन सुकासा उसे लेके भाग जाती है और फिर कहती है कि बेवकूफ़ कहें कि इतना ज्यादा महंगा खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग कहीं और जाके सस्ते दामों में भी खरीद सकते हैं। वो कहता है क्या सचमुच, और वो कहती है कि हाँ, इतने ज्यादा पैसे उड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब ये लोग देख रहे होते हैं कि कौन से शॉप में, तो ये लोग एक शॉप जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता दे रहा होता है। वो कहता है कि 60 हजार भी कुछ सस्ता नहीं है, मतलब ठीक है। तो फिर यहाँ पे बहाने बना रहा होता है, सुकासा उसे लेके आ जाती है और ये सोचता है कि मैं मुझे यकीन नहीं होता है कि मतलब डायमंड रिंग इतने ज्यादा महंगे मिलते हैं। मगर वो कहती है कि अरे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं रिंग दे के रहूंगा ताकि हम दोनों को एक दूसरे की याद आती रहे। तब वो किस दे देती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। तो यहाँ पे सबसे सस्ती वाली रिंग ला के देता है। भाई सबसे ज्यादा सस्ती वाली मिली होती है, पूरे शहर में सबसे सस्ती रहती है। वो कहती है कि देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सबसे सस्ता खरीदा या फिर सबसे महंगा खरीदा, तुमने ये मेरे लिए खरीदा क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और स्पेशली मेरे लिए तुमने ये खरीदा है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। सस्ती हो या महंगी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे। और फिर दोनों हाथ में हाथ डालते हुए जा रहे होते हैं। रात में क्या होता है कि इसे चलने की बीमारी होती है, सुकासा को सबको पता है, तो वो वापस से चल रही होती है। अब इसे वापस से लगता है कि वो उसका ब्लैंकेट ले लेगी, लेकिन नहीं, ये तो उसके बगल में ही सो गई रहती है। अब सुकासा की स्मेल काफी ज्यादा मस्त आ रही होती है और ये एक नंबर का परवर तो रहता ही है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे हक कर लूं। तो यहाँ पे वही होता है, वो उसे हक कर लेता है और सोचता है कि अरे माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, मजा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उल्टा मुड़ जाती है और दोनों के बीच में यहाँ पे किस हो गया रहता है। सुकासा आंख भी खोलती है, फिर वो नीचे गिर जाती है और फिर से सो गई रहती है। अब रात भर बेचारा सो नहीं पाया था। सुबह उठ के सोच रहा होता है कि मुझे लगता है हमें बेड ले लेना चाहिए और हमें एक नए अपार्टमेंट में भी चले जाना चाहिए। अपार्टमेंट हम दोनों के लिए काफी ज्यादा छोटा है, या फिर एक नया बेड ही ले लूं। और वैसे भी नए अपार्टमेंट में हम लोग काफी मजे कर सकते हैं, हम दोनों साथ मिलकर टीवी देख सकते हैं, उसका भी तो मन था मेरे साथ मूवी देखने का, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बेचारा ठरकपन में अपना गीला होते जा रहा होता और सोचता है कि कहीं नए अपार्टमेंट में वो मुझे अपने साथ बुलाए नहाने के लिए, मजा आ जाएगा। तो वो जाके बोलता है कि हमें नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या कहती हो, तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन वो कहती है कि नए अपार्टमेंट से क्या लेना देना, ये घर हमारे लिए बढ़िया तो है, हम लोग यहाँ पे आराम से रह तो रहे हैं एक ही बेड पे, और वैसे बढ़िया तो है। तब ये जाता है कनामे के पास और उससे बोल रहा होता है कि हमें नया अपार्टमेंट ले लेना चाहिए क्या, या फिर उस बेड पे। वैसे वो सारी बातें तो नहीं बताता है, लेकिन कुछ कुछ बातें बताता है। और फिर वो कहती है कि सोचो अगर वो तुम दोनों एक ही साथ एक ही बेड पे सो हाथ पकड़ के, तो तब ये काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है। और फिर कनामे को कहता है, मगर वो अपार्टमेंट भी उसे अच्छा लगता है। ये गुस्से में कह रही होती कि अगर मेरे पति के पास एक ऐसा अपार्टमेंट रहता ना जो बहुत छोटा है, जहाँ पे नहाने के लिए ना बाथटब हो ना देखने के लिए टीवी, तब तो मैं उसे लात मार के निकाल देती। मगर पता नहीं वो तुम्हें किस तरीके से सहन कर रही है। यही सारी बातें सोचते हुए वो जा रहा होता है और कहता है कि हमें एक नया अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन जब जाता है तो देखता है वो कपड़े चेंज कर रही होती। हालांकि कोई बड़ी बात तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो उससे माफी मांग रहा था। सुकासा को बताता है कि देखो अगर हम लोग बड़े अपार्टमेंट में चले जाएंगे तो ये सारे इंसिडेंट वापस से नहीं होने वाले और हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबली आराम से रह भी सकते हैं। सुकासा इसके लिए तुरंत ही मान गई रहती है। नासा कहता है कि पहले तो तुमने इसके लिए नहीं माना था, लेकिन अब तुम मान गई हो। वो इसलिए क्योंकि इसे टीवी देखने को मिलेगा और बड़ा अपार्टमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ बोल देता है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर सो भी सकते हैं। तो ये सुनकर सुकासा को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इन्हें एक नए अपार्टमेंट में अब शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इसके लिए पहले इन्हें अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि कहाँ से अपार्टमेंट में जानकारी ले, और इन्हें एक मिडिल मैन भी चाहिए होगा। नासा कहता है कि मिडिल मैन की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरे पेरेंट्स हैं ना उसके लिए, वो हमारे लिए अपार्टमेंट का जुगाड़ कर देंगे। लेकिन अरे रुको एक मिनट, मैंने तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि हमारी शादी हो गई है। ओ माय गॉड, मुझे अपनी मॉम को बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अपनी मॉम को बता के आता हूँ कि हमारी शादी हो गई है। तो वो चली जाती है। अब यहाँ पर वो कहती है गुड लक, और ये अपनी मॉम को बता रहा होता है, जिसे सुनकर उसकी मॉम एकदम हैरान हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि गधे कहीं के, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, वैसे वो लड़की कौन है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे मॉम, ये वही लड़की है, वो एंजल सी लड़की, मैंने आपको बताया था ना।
जिसने मेरी जान बचाई थी, आपको याद है ना, वो बहुत ही क्यूट सी लड़की थी, उसने मेरी जान बचाई थी। मैंने आपको बताया था, अब ये सारी बातें वो सुन लेती है और काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है कि अब कॉल पे अपनी मॉम से क्या क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्यूट सी लड़की। फिर अपनी मॉम के साथ ये कॉल कट कर देता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी अपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे ये शर्मा गई रहती है और पूछ रही होती है कि तुमने क्या बताया है अपनी मॉम को मेरे बारे में। वो कहता है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी और यही बोला था कि दुनिया की सबसे क्यूट लड़की ने मेरी जान बचाई और अब वो मेरी वाइफ है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ सुकासा काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है, क्या ही बोले, और बोलती है कि तुम एक नंबर के नॉटी हो। सो फाइनली अब इन्हें जाना रहता है वापस से अपने घर पे जहाँ पर इसके मॉम डैड रहते हैं, तो इसे अपने होम टाउन में जाना रहता है। तो वो अपनी मॉम का मैसेज देखता है जहाँ पे वो कहती है कि तुम एक नंबर के नॉटी हो बच्चे, मुझे पता है कि आखिर तुम क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कमरा चाहिए, वो कमरा तुम लोग के लिए छोटा पड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा हमारे पास में ताकि हम तुम्हारी वाइफ को देख सकें। अब वो जानता था कि उसे अब घर तो जाना ही पड़ेगा और जाना नहीं चाहता था ये, क्योंकि इसका होम टाउन थोड़ा दूर भी रहता है और सुकासा को भी दिखा रहा होता है। नासा काफी शर्मा गया रहता है क्योंकि उसकी मोम उसे टेक्स्ट कर रही होती है बिल्कुल बच्चों वाले, क्योंकि ये बच्चा ही तो रहता है अपनी मोम के लिए और कुछ भी नहीं। यहाँ सुकासा कहती है कि मैं तुम्हारी मोम से मिलना चाहूंगी, काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है, लेकिन वो कहता है कि मत मिलना, तुम मिल के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा मोम डैड से। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो दोनों पक्का नेचर के बहुत ज्यादा ही अच्छे होंगे, और हमें पता लगता है कि इन्हें भी पता लग गया रहता है कि वो दोनों जा रहे हैं। तब ये कहती है कि हो सकता है कि वो लोग हनीमून की तरह एक तरीके से हो जाएगा, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इन्हें जाना रहता है अपने होम टाउन जो काफी दूर रहता है, और नासा के मन में भी यही आता है कि ये तो एकदम हनीमून की तरह हो जाएगा। सुकासा आती है और कहती है कि मुझे एक कैमरा चाहिए। पूछता है कि कैमरा क्यों चाहिए, तब वो बताती है कि देखो हम अपने सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग इतने दूर जाने वाले हैं, तो वहां तक मैं सारे अपने वेडिंग के जितने मोमेंट्स रहेंगे हम सबको कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे कैमरा आ चुका रहता है। अब कैमरा आने के बाद वो नासा को कह रही होती है कि दो चार पिक्चर्स क्लिक कर दो, शुरुआत तो हमेशा लेडीज से ही होती है। तो यहाँ वो एकदम रेडी रहता है, सबसे पहले तो वो ऐसे फोटोज देख रही होती है और देखती है कि कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, और बोलती है कि मैं अपने डेली रूटीन का एकदम फोटो फ्रेम एकदम पूरा लगाना चाहती हूँ, पूरा मजा आएगा देखने में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नासा काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है कि वो पहली बार इसकी फोटो क्लिक करने वाला है। सो यहाँ पे वो उसकी फोटोज क्लिक करता है और एक नंबर का ठरगी बंदा रहता है, ठरक भर गई रहती है अंदर में, और कहता है कि कैमरा तो एक्साइटिंग है। फिर बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है, इसी की वाइफ रहती है लेकिन फिर भी ऐसा शर्मा रहा होता है जैसे किसी और की हो, और फिर वो इसकी फोटो क्लिक करती है और फोटो अच्छी नहीं आई रहती है, कह रहा था कि डिलीट करो लेकिन नहीं करती है। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर और हमें देखते हैं कि यहाँ भी फोटोज क्लिक कर रहा होता है और सोचती है कि कितनी फोटोज क्लिक करेगा। हालांकि इसके पास पैसे होते हैं कि ये लोग ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे आराम से बस से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ बस में, और हम दोनों आराम से बस में रहेंगे। ट्रेन से तो 2 घंटे में पहुंचेंगे लेकिन बस में रात लग जाएगी, इसलिए बस से चलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है चलो बस से ही चलते हैं। आगे हम देखते हैं जब ये लोग जा रहे होते हैं तब बस पूरी खाली रहती है, अब बस में आराम से बैठ गए रहते हैं और मजे कर रहे होते हैं। बस रुकने वाली रहेगी रात में 20-15 मिनट के लिए रुकेगी वहां पर, और चिटो से आ गई रहती है। वो इन लोगों का डाइवोर्स करवाना चाहती थी किसी भी तरीके से क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी। सर्वेंट्स कह रहे होते कि मैडम वो लोग कितने अच्छे कपल है, खुश है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? तब वो कहती है कि मैंने मैंने अभी उनकी मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया है। ये लोग जान रहे थे कि ये बहुत चिढ़ रही है नासा से क्योंकि उसने शादी जो कर ली रहती है, और आगे ये सोच रहा होता है कि काश ये मेरे कंधे पे सो जाती, उसको ही रहती अचानक से बस ऐसे हिचकोले मारती और ये इसके कंधे पे सो गई रहती है। बेचारा बहुत ज्यादा शर्मा गया रहता है, सो ही नहीं पाता। अब जब बस रुकती है तब देख रही होती है कि अरे ये क्या डार्लिंग तुम सोई नहीं हो क्या, रात भर क्या हुआ है तुम्हें? ये सोच रहा होता है कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा स्ट्रांग और टफ है, मतलब उस बस का सीट इतना ज्यादा कड़क था फिर भी ये सो गई आराम से और मेरी पीठ एकदम दर्द कर रही है, उस दिन इसने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाई, ये तो सचमुच एक सुपर वुमेन है, कहीं ये मेरे पीठ का दर्द अपने ऊपर ना ले ले। इसीलिए ये सोचता है कि मुझे इस डंडे को फेंक देना चाहिए और वापस से एकदम मर्द की तरह खड़े हो जाना चाहिए ताकि इसे लगे ना कि ये सब इसकी वजह से हुआ है क्योंकि इसी ने बस में आने को कहा था। उसके बाद ये लोग एक स्टोर में जाते हैं और यहाँ चिटो से बहुत गुस्से में रहती, कह रही होती कि ऐसा नहीं हो सकता है, इन दोनों को डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ, मैं इन दोनों का रिश्ता तोड़वा कर ही रहूंगी, ये हनीमून नहीं। चिटो से अपने साथियों को कह रही होती है कि देखना ये एक एयरपोर्ट है और ये जो एयरपोर्ट है ये डाइवोर्स वालों के लिए स्पेशली एयरपोर्ट है क्योंकि जो भी कपल यहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उनका डाइवोर्स हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, मगर चिटो से कहती है कि रुको अभी तो होना बाकी है, और
वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि इनका डाइवोर्स हो जाए, लेकिन ये कहता है कि वो मैं अपना फोन घूम गया, तो नासा तुरंत ही चला जाता है अपना फोन लेने के लिए। अब ये खुश होती है कि अब देखना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सुकासा वहां आ जाती है, नासा पूछता है उससे कि तुम, सुकासा से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सुकासा कहती है कि मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करने के लिए आ गई। नासा कहता है कि तुम वहां पर भी इंतजार कर सकती थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं। और फिर इधर चीटों से सोच रही होती कि अब पक्का इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो लोग दोनों टर्मिनल पे जाते हैं जहाँ वो कहती कि हमें कुछ नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तब ये नॉर्मल चीज बोलता है, लेकिन सुकासा उससे कहती कि यहाँ पे भी आके नॉर्मल चीज ट्राई करोगे? बेवकूफ कहीं के, हमें यहाँ पे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमने टोक्यो में कभी खाया ना हो। तो नासा को तो ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है क्योंकि वो पढ़ाकू बच्चा रहता है, लेकिन सुकासा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुकासा उसे बहुत सारी चीजें बता रही होती है कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो वहाँ पे एक स्पेशल डिश रहती है, तो वो कहती है कि हमें यही ऑर्डर करना चाहिए, और ये चीज बहुत ज्यादा सिमिलर भी लग रही है। खैर, अब इनका जो ऑर्डर रहता है वो आ चुका रहता है, देखने में बिल्कुल किसी नॉर्मल नूडल्स की तरह लग रहा होता है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन सुकासा ने ऑर्डर किया रहता है तो वो इसे अच्छा ही बता रही होती है। अब नासा की बारी रहती है, नासा जब उसे खाता है तो कहता है कि ये तो बिल्कुल किसी नॉर्मल नूडल की तरह लग रहा है, और सुकासा को तो बिल्कुल वैसे ही सेम टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छा कह रही होती है। और नासा कहता है कि हाँ बिल्कुल सेम लग रहा है, तुम्हें तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें लेमन के साथ इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें लेमन भी है और ये एक स्पेशल तरीके की डिश है, और तुम्हें तो कहा कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना है। तो यहाँ पे सुकासा जब लेमन खाती है तो उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे खट्टा लग रहा होता है, और नासा बहुत तेज रहता है यहाँ पर, वो एक नंबर का ठरकी भी रहता है, इसलिए तुरंत फोटो भी क्लिक कर देता है। और आगे ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वक्त हो गया रहता है। चिटोसे के दोस्त कह रहे होते हैं कि वाह कितने अच्छे कपल है, तुम इनका डाइवोर्स क्यों कराना चाहती हो? लेकिन वो कहती है कि चुप रहो। और फिर आगे हम देख रहे होते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, जहाँ पे नासा कहता है कि वो मुझे कुछ याद आ गया, मैं लेने के लिए वहां पे जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तुम ये लो, तुम ये बन खाओ, मेलन ब्रेड खाओ, और तब तक मैं वो सामान लेके आता हूँ। तो हमारे नासा को जाना रहता है, तो वो यहाँ से अब चला गया रहता है। तब तक चिटोसे आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बन खा रही हूँ। चिटोसे कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरी इजाजत के बगैर तुमने शादी कर ली और ऊपर से अब ये बन खा रही हो मजे से। तब सुकासा कहती है कि अरे देखो ये बन टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन तब तक वहाँ रिपोर्टर्स आ चुके रहते हैं। अब ये लोग इन रिपोर्टर्स के सामने नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए जो चिटो से रहती है चलो मेरे साथ चलो, लेकिन सुकासा उससे कह रही होती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। और नासा गया रहता है तो वो नासा को लेकर चली गई रहती है और ये भी इसे लेकर चली गई रहती है। यहाँ पर इनका बस स्टार्ट हो चुका रहता है, जहाँ नासा पूछता है कि आखिर वो चिटो से यहाँ क्या कर रही थी। तब ये बताती है कि वो हमारी मैरिज से खुश नहीं है और वो चाहती है कि हम लोग डाइवोर्स ले लें। और नासा सोचता है कि मुझे उससे मिलकर अच्छी तरीके से बात कर लेनी चाहिए, मगर सुकासा कहती है कि तुम्हें ऐसा करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। और दूसरी तरफ इसके दोस्त कह रहे होते हैं कि अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे पास लग्जरी कार है, हम लोग आराम से उनका पीछा कर सकते हैं, वो लोग तो ऐसे भी बस से जा रहे हैं और हमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगने वाला। मगर फिर भी चिटोसे को तो यहाँ गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सुकासा पहले ही बहुत दूर जा चुकी होती है, लेकिन ये लोग कहते हैं चिल करो। और फिर ये लोग पहुंच चुके रहते हैं, अब कुछ ही दूरी पे इसका होम टाउन रहता है हमारे नासा का, लेकिन वो सोचता है कि क्योटो जाने से पहले हम लोग बहुत देर घूम भी सकते हैं, इसलिए वो सुकासा से कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, बताओ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम लोग टोक्यो में ना कर सके, क्योंकि क्योटो में बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट भी हैं पुराने वाले, तो ये लोग आराम से घूम सकते हैं। सुकासा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ हमारा नासा भी उसकी बहुत सारी तस्वीरें लेने को कह रहा होता है। सुकासा और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एक तो ये क्योटो नई जगह रहती है और उसे घूमना भी रहता है। तो अब ये लोग यहाँ पे फैसला करते हैं कि ये लोग स्पेशल और पुरानी जगह पे जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ वो किमोनो पहन के आ जाती है जहाँ पे काफी खूबसूरत लग रही थी और ये तो देख के पागल हो गया था, एक नंबर का ठरकी रहता है। तब तक चिटोसे आ जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब चिटोसे तो उनकी मैरिज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, तो वो कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये लोग बता रहे होते हैं कि हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और सारी प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं। तब चिटोसे को और गुस्सा आ जाता है और नासा उससे कहता है कि ठीक है काम करता हूँ, चिटोसे तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम लोग जाओ सुकासा को घुमा के लेके आओ। तो यहाँ पे अब वो लोग चले गए रहते हैं लग्जरी कार में अपना, और फिर ये दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि चिटोसे यहाँ पे फैसला करेगी कि हमारा नासा सुकासा का हस्बैंड होने के लायक है या फिर लायक नहीं है, इसलिए इसी बात पे अब उससे बहस चल रही होती है। तो ये काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चीटों से गुस्सा आ रहा था। और दूसरी तरफ इधर ये लोग सुकासा से पूछ रहे होते कि आखिर तुम्हें नासा इतना पसंद क्यों आया कि तुमने डायरेक्ट शादी ही कर ली। तो यहाँ वो बता रही होती हमारे नासा की खूबी के बारे में कि कैसे उसने जब पहली बार अपने दोस्त से मुझे मिलवाया था तो वो उसके नेचर पे जाता है, ये नहीं कि पर्सन कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से वो पेश आता है और इसीलिए मुझे वो इतना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसके ऊपर फिदा हो गई थी। और दूसरी तरफ जो हमारी चिटोसे रहती है वो यहाँ पे देख रही होती है कि आखिर नासा उससे किस तरीके से बिहेव कर रहा था, क्योंकि नासा काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था। चिटोसे को लगता ही नहीं कि कोई इंसान इस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं बस दिखावा तो नहीं ना कर रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं रहता, नासा जेन्युइनली जो भी उसका साइड रहता है उसी टाइप का उसका नेचर भी रहता है और वैसा ही वो बिहेव कर रहा था। और फिर ये पूछती है कि आगे तुम्हें मेरी बहन के बारे में क्या पता है? तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा एथलेटिक है? सोचता है कि वाह एथलेटिक है,
तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। और बहुत ठरकी ठरकी सोच यहाँ पे सोच रहा होता है, लेकिन चीटों से समझ चुकी रहती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसके ऊपर। कहती है कि ठीक है। और फिर जब ये आके बता रहा होता है कि किस तरीके से जो हमारी सुकासा है उसने 2 साल पहले इसकी जान बचाई थी और उस दिन से ये उसके ऊपर फिदा हो गया है, इसीलिए इसीलिए ये सारी चीजें हुई है। और फिर वो बहुत अजीब तरीके से नासा रहता है ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग लड़ा रहा होता है और अपना एक्सप्लेनेशन उसे समझा रहा होता है। हालांकि चीटोसे को सारी बातें समझ में आ चुकी रहती है कि जैसा उसने नासा को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही अच्छा इंसान है। फाइनली वो चली गई रहती है और सुकासा और हमारा जो नासा रहता है ये दोनों जा रहे होते हैं अब नासा के होम टाउन में, मतलब उसके मॉम डैड से मिलने के लिए। रात हो गई रहती है, ये लोग फाइनली जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके रहते हैं यहाँ पर। वो कहती है क्या तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद करें, क्योंकि हमने कभी भी एक दूसरे से मिला नहीं है। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें कहूंगा कि ये मेरी वाइफ है, दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट लड़की। और फिर वो लोग फाइनली पहुंच गए रहते हैं, तब यह सुकासा को लगता है कि कोई हमें देख रहा हो, ये कोई और नहीं नासा की मॉम रहती है। और ये लोग आई कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर नासा कह रहा होता है कि मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तब तक सुकासा आ चुकी रहती है और वो अच्छी से ग्रीटिंग कर रही होती है। वो पूछते हैं कि फादर कहाँ पर है, तब वो बोल रही होती कि वो तुम्हारे फादर लिविंग रूम में, और वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम लोग दोनों अंदर क्यों नहीं आते हो। उसके बाद वो दोनों अंदर आ चुके रहते हैं जहाँ ये मिठाई लेके आए रहते हैं। उसके फादर कहते हैं कि तुम जाके नहाते क्यों नहीं हो नासा, लेकिन नासा कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे इसके पेरेंट्स थोड़े से घबरा रहे होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, और जो हमारा नासा रहता है वो कहीं भी नहीं जाने वाला था क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं इसके बचपन की नंगी तस्वीर है ये लोग इसकी वाइफ को ना दिखा। और जब सुकासा उससे कहती है कि जाओ नासा जाकर नहा लो, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, तब वो एक ही बार में चला जाता है। यहाँ पे उसके डैड इतनी देर से कह रहे थे तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन उसके कहने के बाद तुरंत चला जाता है। अब जब वो नहा के आता है तो पूछता है कि मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, तब वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट चीज बताई है और मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। अब ये सोच रहा था कहीं सचमुच इन्होंने मेरी तस्वीर तो नहीं ना दिखा दी इसे। उसके बाद ये बता रहा होता है कि देखो हमारे घर में जितनी भी चीजें, फोन, मोबाइल, लॉकर, क्लाउड में सब चीज रखता हूँ और लॉकर एकदम सेफ है, वेडिंग रिंग और फोटो सारे एकदम बढ़िया तरीके से रखे हुए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मॉम आती है और कहती है कि हम लोग तुम्हारे बगल वाले कमरे में, तो तुम लोग ज्यादा शोर मत मचाना। सब समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मॉम कहना क्या चाहती है कि ज्यादा शोर मत मचाना, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद समझ आता है कि आज वो पहली बार अपनी वाइफ के साथ ऐसे सोने वाला, उसके पेरेंट्स बगल वाले कमरे में है, तो वो समझ ही रहता है कि आखिर वो कहने का क्या मतलब रहता है। और फिर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, सोच रहा होता है कि अच्छा। वो कहती है कि ठीक है मैं नहा के आती हूँ। वो कहता है कि हाँ जाओ जाओ नहा के आओ, अपना टाइम लो टाइम लो। फिर वो नहा के रेडी हो चुकी रहती है और हमारा बंदा ठरकी रहता है, सोच रहा होता है कि आज हम पहली बार सेम लेवल पे सोए हुए हैं, क्या मैं इसे अब कह दूं, वैसे ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और फिर वो कह देता है कि आओ मेरे हाथ पे सो जाओ, तो वो उसके हाथ पे सो जाती है। ऐसे दर्द तो हो रहा था लेकिन दिखाता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। सुकासा को पता लग गया रहता है और वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। वो कहती है अच्छा। और फिर वो जब ऐसे मुड़ती है तो इसके हाथ में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, वो समझ चुका रहता है। फिर सुकासा जा रही होती है और वो कहता है कि मुझे गुड नाइट किस चाहिए सोने से पहले, तो यहाँ पे किस भी हो चुका रहता है दोनों के बीच में, गुड नाइट किस रहता है। और जब वो सुबह उठती है तो सोच रही होती है कि ये बंदा वही ठरका है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। और शर्म भी बहुत जोर से आ रही होती है क्योंकि इनके पेरेंट्स, मतलब नासा के पेरेंट्स, बगल वाले कमरे में तो रहते हैं। जब ये ड्रेस चेंज कर रही होती है तब ये छुपके से देख भी लेता है, खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद ये इसके फादर से मिलती है, जहाँ पे इसके फादर सोच रहे होते हैं नासा के कि अब मैं इससे क्या बोलूँ, मतलब पहली बार मिले हुए रहते हैं और सोच रहे होते एकदम घबरा चुके रहते हैं। तो वो बताती है कि आप आर्कियोलॉजिस्ट है ना, नासा ने आपके बारे में बताया था। तो वो इसे अपना ऑफिस दिखाने के लिए लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी किताबें रहती है। और वो कहते हैं कि कैसा लगा, तब वो कहती है अच्छा तो नासा को तेज दिमाग आपसे ही मिला है, लेकिन वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं दिमाग के मामले में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो पुरानी पुरानी किताबें दिखा रहे होते हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई रहती है। तब तक नासा आता और पूछ रहा होता है कि आप इसे क्या बता रहे थे, तब वो कहती है कि नहीं नहीं मैं पुरानी चीजें देख रही थी। वो कहता है कि तुम्हें तो पुरानी चीजों में इंटरेस्ट नहीं ना था, लेकिन वो ऐसा कह रही होती है कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर उसकी मॉम ने उसे खाना खाने के लिए बुला लिया रहता है। तो अब ये दोनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए और फिर कमरे में आ चुके रहते हैं जहाँ पर ये बता रही होती कि मैं तुम्हारे साथ पुरानी पुरानी जगहों पे जाना चाहती हूँ घूमने के लिए, तस्वीरें भी खिंचवाना चाहती हूँ। तब ये लोग पुरानी जगह पे आ चुके रहते हैं और ये जो पुरानी जगह रहती है यहाँ पे ये लोग तस्वीर खींच रहे होते हैं। नासा का टाइम बहुत बढ़िया चल रहा होता है, नासा को मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है। और हिस्ट्री के बारे में सुकासा भी बहुत कुछ जानती थी क्योंकि उसे हिस्ट्री पसंद रहती है, नासा भी जानता था। और मजे कर रहे होते हैं और ये लोग आ चुके रहते हैं एक अलग जगह पे जहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तब सुकासा बताती है कि पहले इस जगह पे बहुत कुछ हुआ करता था लाखों साल पहले, मगर फिर उनके पास ज्यादा जगह नहीं थी तो उन्होंने इस कैसल को यहाँ पे डाल दिया और इस जगह पे बहुत सारी चीजें हुई है। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, हम लोग यहाँ पे पहली बार घूमने के लिए आए हैं, तो एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारा वीडियो बना देती हूँ और तुम इसे यूट्यूब पे डाल देना, यही बढ़िया रहेगा। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और इसे कुछ पता ही नहीं लगता है कि आखिर अब ये क्या बोले। कहता है कि मेरा नाम नासा है और मेरी शादी हो गई है। और वो कहती है कि ऐसे नहीं बोलना है बुड़बक,
थोड़े अच्छे तरीके से बोलना है तुम्हें, समझे? और फिर से वो करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे शर्म आ रही होती है और इसे काफी मजा आ रहा होता है। और ये बताती कि मैं तुम्हें एक चीज नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे नासा के फादर रहते हैं उसने सुकासा को कहा रहता है कि हमारी बेटी की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा नाजुक भी है। ऐसी बात है कि देखो वो बचपन से ही अकेला रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हमें वैसा बेटा मिला। साथ ही साथ उसकी जान खतरे में थी, तुमने उस दिन उसे ट्रक से बचाया था, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। लेकिन सुकासा कहती है कि कोई बात नहीं, उसकी मॉम भी सुन रही होती है बाहर से। और फिर अब इनका जाने का वक्त आ चुका रहता है, जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अच्छी तरीके से जाना, और सुकासा और नासा के फादर बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनका अपार्टमेंट पूरी तरीके से जल गया रहता है, और नासा देखता है कि उनका लैंडलॉर्ड वहाँ पे, तो वो जाके पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। तब उनका लैंडलॉर्ड बताता है कि एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से पूरा घर अब जल चुका है और सारा सामान भी जल गया। लेकिन नासा को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है, उसे एक पॉट मिला हुआ रहता है जो कि उसके दोस्तों ने दिया था, तो वो उसी में काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और सुकासा सोच रही होती कि ऐसे सिचुएशन में भी ये कितना ज़्यादा काम है। यही बात तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये सारी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से हैंडल करता है। और वैसे भी इसने कहा था कि सारी जो मेन मेन चीज़ें हैं उसने तिजोरी में रख डाली है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है और सब चीज़ बिल्कुल सेफ है। तो सुकासा को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हमारा नासा यानी उसका हस्बैंड है वो एकदम कॉन्फिडेंटली और एकदम आराम से इस सिचुएशन को समझ रहा है। और फिलहाल अभी ये लोग जा रहे हैं एक नया घर ढूंढने के लिए, क्योंकि ये घर तो जल चुका है और वो रिपेयर नहीं होने वाला। और ये कहती है आई लव यू, मुझे तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बताती नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। सो फाइनली हमें पता लगता है कि ये बाथ हाउस में आया हुआ रहता और सोच रहा था कि मुझे एक होटल ले लेना चाहिए, मैं अपनी वाइफ के साथ ही तो रह रहा हूँ तो मुझे एक होटल ले ही लेना चाहिए, और वैसे भी होटल में रहने में बुराई क्या है, आखिर है तो वो मेरी वाइफ ही, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि शर्म बहुत ज्यादा आ रही होती है यहाँ पे सुकासा को। जब वो सोच ही रहा होता है तब तक वहाँ पे कनामे आ जाती है और कहती है कि तुम क्या ठरकी जैसा कुछ सोच रहे हो, वो कहता है कि तुम यहाँ पे, और फिर पानी के अंदर तुरंत ही चला गया रहता है। कनामे कहती है कि मुझे पता है तुम लोग को रहने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक रूम खाली है। फिर सुकासा आ जाती है और वो बता रहे होते हैं कि कैसे अब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। वो कहती है कि ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, तो कनामे यहाँ पे उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए लेके जाने वाली रहती है, क्योंकि नया जगह तो रहता नहीं है, तो और वैसे भी ये कनामे का बचपन का दोस्त रहता है, तो वो उन्हें रूम दिखाती है। नासा कहता है कि तुम्हें अपने मॉम से बात कर लेना चाहिए, वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ अपनी मॉम से बात कर लेती हूँ और फिर सारी चीज़ें डील करके आती हूँ कितना लगेगा और कितना, तो वो चली गई रहती है। और फिर ये बोल रहा होता है कि अब से हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। सुकासा कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ डार्लिंग, मतलब तुम सचमुच काफ़ी ज़्यादा कूल हो, मैं इतना कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है कि बेचारा शर्मा गया रहता है। फिर कनामे आ जाती है और कहती है कि मॉम ने कह दिया है कि तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो, तो आराम से इंजॉय करो। शाम के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ ये सोचती है कि अब वो लोग यहाँ रहने वाले हैं। हालांकि जो आया है वो नासा को पसंद करती है, लेकिन आया को अभी तक पता नहीं रहता है कि नासा की शादी हो गई है। क्या मुझे जाकर उसे बता देना चाहिए? अगर मैं बता दूंगी तो उसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाएगा। तो उसके बाद आया के पास वो जाती है ताकि वो बता सके कि नासा की शादी हो गई है। लेकिन जब वो बोलती कि नासा यहाँ पर है तब वो एकदम घबरा जाती है और कहती है कि नासा यहाँ पर, तब नासा आ चुका रहता है। और फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बात बात में वो सोच रही होती है कि कोई आखिर वेडिंग रिंग कैसे नहीं देख सकता है। नासा ने वेडिंग रिंग पहनी हुई है और नासा बात कर रहा होता है, जहाँ पे इसे ऐसा लग रहा होता है कि सुकासा इसी की फैमिली मेंबर है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। आया को तो अभी भी लगता है कि वो सिंगल है। तब तक इनकी मॉम आ जाती है और कहती है कि नासा की वाइफ कितनी अच्छी है ना, वो भी हमारे साथ अब यहीं अपार्टमेंट में रहेगी। तभी से पता लगता है कि क्या नासा की शादी हो गई है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये कब हुआ, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? वो लोग कहते हैं कि अरे क्या बात है, तुम्हें नहीं पता इसकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। बात ये है कि जो हमारी आया है वो नासा को बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी खुल के उसे बताया नहीं रहता है, तो उसने अपना प्यार खो दिया था। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो, ये तो तुम्हारा फर्स्ट लव था और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, तो तुम्हें अपने पहले प्यार की क्या इतनी फिक्र पड़ी है? कोई बात नहीं, तुमने कन्फेस नहीं किया इसलिए नहीं हो पाया, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, बहुत ही भयंकर वाली, क्योंकि आया ने अपना पहला प्यार खो दिया रहता। और कनामे भी यही बात बोल रही होती कि तुम्हें उसी वक्त बोल देना चाहिए था, अगर तुम उस वक्त बोल देती तो हो सकता है सिचुएशन कुछ और रहती, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज्यादा पलट गई है। हालांकि उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया रहता। और नासा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। कनामे जानती थी कि आया को कितना दर्द हो रहा होगा इस डिसीजन को लेने में। अब लॉन्ड्री करने का वक्त आ गया रहता है, तो सुकासा कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लॉन्ड्री करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे कपड़े देखो। नासा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं नहीं करूंगा, तुम ही जाओ लॉन्ड्री कर देना। सुकासा कहती है कि ठीक है मैं हम दोनों के कपड़े को लॉन्ड्री कर दूंगी।
तो नासा आराम से अब रहता है और सोच रहा था कि ओ माय गॉड, अगर मुझे मौका मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। मगर थोड़ी देर के बाद हम देख रहे होते कि जब वो लॉन्ड्री करने जा रही होती है, तब तक कनामे आती है और कहती है कि मॉम तुम्हें बुला रही है सुकासा। तब सुकासा वहाँ से चली जाती है और फिर हमारा नासा अलग रहता है। अब नासा इतना बड़ा ठरकी रहता है, वो देख रहा होता है कि ये सब सुकासा के कपड़े हैं, फिर एकदम ठरकी वाला हरकत कर रहा होता है और कहता है कि वाह क्या मस्त महक रहा है। तब तक कनामे आ जाती है और जिसे देख के वो हैरान हो चुका रहता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कनामे ने सब देख लिया रहता है लेकिन फिर भी ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा और कहती है मैं यहाँ पे कुछ सामान भूल गई और मैं उसी सामान को लेने के लिए यहाँ पे वापस आई हूँ। नासा एकदम डर गया रहता है कि कहीं इसने कुछ देखना लिया हो, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं था। ये लड़कियों के अंडरवेयर कितने ज्यादा डिजाइनिंग होते हैं, हम लड़कों के तो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। तो ये लोग लॉन्ड्री करने के लिए आए रहते हैं जहाँ पे उसे पता लगता है कि सुकासा ने तो कुछ पहना ही नहीं हुआ रहता है अंदर, बस उसने ये ट्रैक सूट पहना हुआ रहता है। और ये बहुत ठरक महसूस कर रहा होता है कि ओ माई गॉड, अगर एक बार दिख जाता तो मजा ही आ जाता। खैर जब तक यहाँ पे कपड़े लॉन्ड्री हो रहे होते हैं तब तक दोनों साथ में बैठे हुए रहते हैं और फिर वो बताती है कि हाँ सही में ट्रैक सूट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं पहना है। ये उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और कहता है कि तुम ऐसे शर्माती हुई काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। वो कहती है कि एक नंबर के ठरकी हो, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ जो हो तो इतना तो मेरा हक बनता ही है कि मैं फोटो ले सकता हूँ, और ये कितनी ज़्यादा क्यूट। अगले सीन में जब वो घर आते हैं तो कनामे कहती है कि क्या अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो तुम्हें जाकर उसे शॉपिंग करवानी चाहिए, नए कपड़े खरीदवाने चाहिए बेवकूफ़ कहीं के। सो कनामे की ये बात वो मान लेता है और सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर सुकासा के पास कपड़े नहीं है तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जाऊँ और उसके लिए प्यारे प्यारे कपड़े खरीद के लाऊँ। सो वो बात सुकासा के पास जाता है और फिर सुकासा से कहता है कि ठीक है चलो चल के कपड़े खरीदते हैं। वो कहती है कि ठीक है तब चलो चल कर कपड़े खरीदते हैं, मज़ा आ जाएगा कपड़े खरीदने में, पक्का तुम श्योर हो ना। और ये सोच रहा होता है कि काश काश मज़ा आ जाएगा मैं उसके आउटफिट को देख सकता। और फिर वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चलो डिपार्टमेंट स्टोर चलते हैं। तो ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पे उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है और वो एक एक करके ड्रेस चेंज करके उसे दिखा रही होती है। वो कहता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग वाले कपड़े हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। वो कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसे कपड़े नहीं ऐसे वाले कपड़े पहनूंगी। तो ये ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं सुकासा के ऊपर और फिर ये सोच रहा होता है कि ये मैं लेडीज सेक्शन वाले में आ गया क्या, अरे यार यहाँ पे तो खड़े ही होते मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर लेगी, बहुत ज़्यादा इसे शाई फील हो रहा होता है। तो ये सुकासा से कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम चलो ना मेरे साथ में चलो। तो फिर वो उसे ज़बरदस्ती अंदर ला के बैठा डालती है और फिर अपना शॉपिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर ये बहुत ठरकी बंदा सब चीज़ों को देख रहा होता है। फाइनली अब ये लोग आ गए रहते हैं शॉपिंग करने के बाद, जहाँ पर ये कहता है कि काश मैं तुम्हें एक बार अंडरवेयर में देख पाता। हालांकि ये बात वो जोर से थोड़ा सा बोल देता है क्राउडेड एरिया में, जहाँ पे सुकासा भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन ऐसे जोर जोर से बोल के सबके सामने शर्मिंदा मत करो। आशा अपने नए कमरे को देख रहा होता है, हालांकि कनामे ने उन्हें पहले ही बता दिया रहता है कि ये कमरा थोड़ा सा पुराना है क्योंकि उसके डैड इस कमरे को यूज़ किया करते थे, अब उसके डैड तो रहे नहीं हैं। तो ये सोच रहा होता है कि ये कमरा बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है, लेकिन चलो जो भी है ठीक है, कम से कम रहने को तो मिल गया है। और सुकासा यहाँ पे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली हूँ। सुकासा ने उसके लिए खाना बनाया रहता है और वो कहता है कि हमारे पास तो कुकर है ही नहीं, आखिर तुमने चावल किस तरीके से बनाए। वो बताती है कि देखो इंसान बहुत पहले से राइस बनाते आ रहे हैं और हमें इसके लिए कुकर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, हम लोग इसे किसी पॉट में भी बना सकते हैं। और सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड ये तो नए तरीके का मतलब डिश है, एक तरीके से नए तरीके से चावल इसने बनाया और खाता है तो बहुत टेस्टी लगता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि ये बहुत जूसी है। वो बताती है कि सुपरमार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते से मिल गया है मुझे ये, और मैं हर वो डिश को बनाकर तुम्हें खिलाना चाहती हूँ जो तुमने आज तक कभी खाया नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जीभ को एक नए चीज़ का टेस्ट दिलवाना चाहती हूँ। अब पता नहीं कौन से टेस्ट का बात कर रहा है, लेकिन शायद किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नासा तो बहुत ज़्यादा शर्मा गया था, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। उसके बाद ये दोनों अपना ही ऐसे फ्लर्टिंग करते जा रहे होते हैं, सुकासा तो बहुत ज़्यादा मज़े ले रही होती है इसकी। और फिर अब ये टीवी देखने के लिए गया रहता है, लेकिन टीवी तो यहाँ पे ऑन हो ही नहीं रहा होता। सुकासा कहती है कि क्या, लेकिन फिर बाद में टीवी ऑन हो चुका रहता है और टीवी में भी कुछ खास प्रोग्राम नहीं आ रहा था। तब तक कनामे आ जाती है और कहती है कि हमारे कस्टमर ने हमें ये मेलन दिया है, ये लो ये मेलन तुम दोनों के लिए और तुम दोनों इसे आराम से खाओ, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अब जब कनामे चली गई रहती है तो ये दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो इसके बाद वो लोग मेलन को काटते हैं और बहुत शर्माते हुए खाना शुरू कर देते हैं। तो मेलन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है, तो ये दोनों खाते हैं और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। सो नासा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं तुम्हें मेलन खिलाऊंगा। वो कहती है कि क्या, मगर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले खिलाया था ना, याद है तुमने मुझे नूडल्स खिलाए थे, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस दिलवाना चाहता हूँ जो तुमने आज तक कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। फिर वो अपना बड़ा सा मुँह खोलती है, छोटा सा मुँह खोलती है और बड़ा सा बाइट लेती है, काफ़ी टेस्टी लगता है। और ऐसे ही वो लोग खा जाते हैं आधे से ज़्यादा मेलन को। उसके बाद जब वो कनामे के साथ था तो उसका लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है, जहाँ पर वो उसे बिल्डिंग की डिटेल भेजता है। वो कहती है क्या इतनी जल्दी मूव आउट करने जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ, उसने कहा है कि नया घर जाके देख लो तो बनने वाला है। तो इसके बाद
वो जाता है सुनामी के पास और फिर उससे कह रहा होता है कि चलो हमें नया घर देखने के लिए जाना है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे फोन किया। सुकासा कहती है कि ठीक है, तो वो लोग आ गए रहते हैं। सुकासा कहती है, क्या तुम्हारा लैंडलॉर्ड कुछ तेल का बिजनेस करता है क्या, मतलब ये जगह? वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने कहा था, इसी लोकेशन को भेजा है उसने, और कहा था कि हमें रेंट भी उतना ही देना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे आ गए हैं तो घर भी चलकर देख ही लेते हैं। तो सुकासा उसे लेके अंदर जाती है, और ये होटल नहीं, ये तो महल लग रहा होता है, मतलब बहुत ही ह्यूज और काफी एक्सपेंसिव लग रहा होता है। वो देखती है कि वह सचमुच कमाल का है, किचन भी है, बाथटब भी है, काफी मजा आ रहा होता है, नज़ारे का मजा ले रही होती है। बाथटब में बैठी हुई रहती है और कहती है कि वह यहाँ से नज़ारा काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन जो नासा रहता है वो ठरकी होता है और सोचता है कि अगर हम लोग इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग दोनों एक ही बाथटब में नहा पाएंगे। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें हैं। 1 मिनट रुको, इसका मतलब हम लोग एक ही बेड पे सो भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो बेड रहता है वो एकदम किंग साइज वाला बेड रहता है और काफी कंफर्टेबल बेड भी रहता है। तो वो लोग पूरा घर देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि काफी बढ़िया घर है, और फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तब शाम में उसका लैंडलॉर्ड का मैसेज आता है कि माफ करना, मैंने एड्रेस गलत भेज दिया था। और फिर वो सुकासा से माफी मांग रहा होता है, कहता है मुझे माफ करना, लेकिन चिंता मत करो, मैं मेहनत करके ऐसा घर जरूर खरीद लूंगा। वो कहती है कि देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, घर छोटा हो, घर बड़ा हो, या फिर कैसा भी घर हो, तुम जहां भी रहोगे या फिर जहां भी मुझे रखोगे, वही घर मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे कीमती रहेगा। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा अपनी जान पे जोखिम डालकर ज्यादा पैसे कमाने की। तुम मुझे जहाँ भी रखने वाले हो मैं वहाँ पे खुश रहूंगी, भले कैसे भी रखो। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं तुम्हारी अच्छी से देखभाल करूँ। तो नासा तो एकदम यहाँ पे पिघल गया रहता है। आगे हमें कनामे को दिखाया जाता है, जो 15 साल की थी और अब ये बेड से उठ गई थी। ये अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि कैसे अब ये बाथ हाउस को जा रही है साफ करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा मेहनती लड़की भी है, और इसे नासा भी पसंद है। और ये देखिए, ये नासा की वाइफ है। तो वो कहती है कि क्या क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और ये सोच रही होती है कि ये उस पर्सन की वाइफ है जिसे मैं काफी ज्यादा एडमायर और पसंद करती हूँ। नहीं, मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे कहती है। लेकिन सुकासा कहती है कि नहीं, तुमने हमें यहाँ पे रहने दिया है तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तब तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत काफी अच्छी चल रही होती है, और कनामे सोचती है कि चलो देखती हूँ कि आखिर नासा तुम्हें क्यों पसंद करता है, आखिर तुम में ऐसी क्या खूबियां हैं। तो वो यहाँ पे उसे बता रही होती है अपने इस पार्टअप के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में उसे डिटेल दे देती है कि किस तरीके से उसे साफ करना है। और हाँ, उसे ऐसे ही अकेले साफ नहीं करना, इन दोनों के बीच में क्लोजनेस भी बढ़ रही होती है। और वो कुछ रोबोट्स और कुछ मशीन्स के बारे में बता रही होती है जिसे नासा ने इन्वेंट किया था इनके बाथ हाउस के लिए स्पेशली, क्योंकि इनका बाथ हाउस जब एकदम खत्म होने वाला था तब नासा ने मदद की थी, और अभी तक उसी के मशीन से ये सारा बाथ हाउस चल रहा है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वो लोग नासा के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। और फिर वो बता रही होती है कि तुम्हें बाथटब क्लीन करना है पूरा एक रूम, और सोच रही होती है कि चलो देखती हूँ तुम कैसे क्लीन करती हो, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा क्लीन किया हुआ रहता है। सुकासा कह रही होती है कि तुम हमेशा ये काम करती हो सुबह उठ के, तुम सचमुच काफी अच्छी लड़की हो और काफी ज्यादा मेहनती भी हो। तो यहाँ पे वो कनामे की बहुत तारीफ करती है, और कनामे समझ चुकी रहती है कि आखिर नासा इस लड़की को क्यों पसंद करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं, और ये लोगों को मतलब एकदम अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। दोनों के बीच में क्लोजनेस और भी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है। और फिर ये नासा के बारे में और भी अच्छी अच्छी चीजें बता रही होती है कि कैसे वो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है, और शुक्रिया, अगर तुमने नासा की जान उस दिन नहीं बचाई रहती तो वो अभी तक जिंदा नहीं बच पाता, वो तुम्हारी वजह से भी जिंदा है। लेकिन सुकासा कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि मुझे जाकर उसे बचा लेना चाहिए, बिना मैंने कुछ सोचे समझे जाकर उसे बचा लिया, और अभी देखो वैसे नासा है बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा। तो ये लोग नासा के बारे में बहुत तारीफ करते हैं, और हनामी कहती है कि हाँ वो थोड़ा सा अजीब टाइप का बंदा भी है। सो इसके बाद अब वो चली जाती है स्कूल के लिए। नासा देखता है कि अरे ये क्या, दोनों के बीच में क्लोजनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है। तो फिर वो लोग अंदर आ चुके रहते हैं। अब यहाँ पे सुकासा उससे पूछ रही होती है कि देखो हमारे पास कुछ है खाने के लिए, मैं बनाना चाहती हूँ, आखिर तुम क्या खाना चाहते हो, बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड। तब ये कैलकुलेशन करके बताता है कि इसका फेवरेट फूड करी है। सुकासा सोच रही होती है कि आखिर इसमें कैलकुलेशन करने वाली कौन सी बात थी, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इसे। तब वो कहती है कैसे, चलो मैं देखती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स है या फिर नहीं है करी बनाने के लिए। सो करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो रहते हैं, और लेकिन अभी भी उसे शॉपिंग करने के लिए जाना रहता है सुपरमार्केट। तो नासा कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी ना यहाँ पे कनामे की मॉम मिल चुकी रहती है, जहाँ पे वो कहती है कि इधर आओ बच्चे, एक काम करना, पार्क वाले रास्ते से जाना, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है और अंधेरा भी रहता है, तो तुम लोग जो चाहे वो वहाँ पे कर सकते हो। नासा कहता है कि अरे आंटी नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आंटी चालाक रहती है, वो कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, चलो अब जाओ चुपचाप। तो वो हाथ पकड़ के चला जाता है, और वापस आते आते मतलब कुछ शॉपिंग करके आ रहे थे, तब ये लोग बन भी खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि काफ़ी अच्छा मौसम है। सुकासा पूछती कि हम लोग इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा भी है, तुम क्या करने की सोच रहे हो। और
नासा कुछ बोल नहीं पाता, कह रहा होता कि नहीं मैं कुछ भी करने की नहीं सोच रहा हूँ। सुकासा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किस करने के बारे में सोच रहे हो। अब नासा सोच तो इसी चीज़ के बारे में रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि हमने जो चीज़ खाई है मोमो, उसमें बहुत ज़्यादा गार्लिक था और मैं अभी किस नहीं करना चाहती हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है, अगर नहीं करना चाहती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो जाकर उसे पकड़ ले और पकड़ने के बाद सोच रहा होता है कि ओ माई गॉड, कितना ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्या सभी का इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और वो कहता है कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ कि जब से शादी हुई है तब से मैं मैरिड लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सुकासा रहती है वो भी उसे बताती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। उसके बाद दोनों हग कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, और ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहता है। उसे आई रहती है अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन वो देखती है कि अरे ये क्या, घर कहाँ पर चला गया था। उसकी मेड कहती है कि साफ साफ बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैडम आप इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हैं ही। वो कहती है कि हाँ मुझे भी अच्छी तरीके से दिख रहा है, लेकिन आखिर अभी मेरी बहन कहाँ पे चली गई, वो रह कहाँ पे रही होगी। और जब वो कह रही होती है तभी जो सुकासा रहती है उस तरफ से आती है और वो पूछती है उससे कि कहाँ पर अभी तुम रह रही हो और तुम्हारे घर को क्या हुआ। सुकासा उससे कहती है कि वो तो उड़ गया, साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है। और यही कहने के बाद जो सुकासा है वो वहाँ से जाने लगती है। चीटो से उससे कह रही होती है कि रुको, तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, कम से कम मुझे बता के तो जाओ कि तुम रहती कहाँ पर हो। तब वो पार्क के पास जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिसिटी और सारे सामान पड़े हुए हैं। चीटो से को यकीन नहीं होता है तो वो घुस के देख रही होती है, और फिर हमें पता लगता है कि उसका तो खुद दू कट चुका रहता है और सुकासा वहाँ से भाग गई रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकासा आई रहती है जो पूछ रही होती है कि डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर एक टाकुयोमी एक डिश होती है, वो उसे बनाने की एक चीज़ भी रहती है। तो ये पूछ रही होती है कि क्या हमें टाकुयोमी की पार्टी करनी चाहिए। ये बात जाके वो लोग कनामे से कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग एक पार्टी करते हैं। और सुकासा ये पार्टी करना चाहती थी क्योंकि वो आया को अच्छी तरीके से नहीं जानती थी, और पार्टी के जरिए वो आया से और भी ज़्यादा बात कर सकती थी क्योंकि आया ज़्यादा बात नहीं करती थी ना इन लोगों से। फिर ये आती और बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि आया को बुरा लगेगा कि वो अपने लवर के साथ पार्टी करेगी, और तुम तो अब मैरिड भी हो चुके हो तो तुम्हें पता है ना क्या क्या हो सकता है। वो कहता है कि हम मुझे अच्छी तरीके से पता है। चीटों से आती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब सुकासा कहती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। वो कहती है क्या इस बात हाउस में यहाँ पे कैसे रहती हो। सुकासा उसे बता रही होती है कि मैं यहाँ पर ऐसे रहती हूँ, मैं यहाँ ऐसे नीचे सोती हूँ और इन कैंस के ऊपर अपना सर रख के सोती हूँ। वो उसे पूरा ब्लैकमेल कर रही होती है इमोशनल, और कनामे कहती है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। तो यहाँ पे चिटोसे का फिर से फुद्दू कट चुका रहता है। सुकासा ने उसे बहुत ज्यादा गंदा वाला बेवकूफ बनाया रहता है। मेड्स भी आ जाती है और कहती है कि भाई ये तो एक बाथ हाउस है, चलो हम लोग नहाते हैं। पहले तो चिटोसे गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, मगर फिर बाद में एकदम खुद ही रेडी हो चुकी रहती है। उसके बाद चिटोसे और जो बाकी दोनों उसकी मेड्स रहती है वो सभी तीनों नहा रहे होते हैं और काफी ज्यादा रिलैक्सिंग महसूस कर रहे होते हैं, और फिर मज़ा भी इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। कहते हैं कि वाह आज तो कमाल हो गया। तो फिर वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन चीटों से कहती है कि अरे रुको, यहाँ पे मेन प्लान तो मैं भूल ही गई, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ चलो। आखिर तुम यहाँ पे क्यों रुकी उस बेकार सी जगह पे। कनामे कहती है कौन सी बेकार सी जगह तुमने बोली। तब वो कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था तुम यहाँ क्यों रुकी हो, चलो मेरे साथ चलो। तभी कहती है क्योंकि यहाँ पे गेमिंग कॉन्सोल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। चिटो से कहती है क्या गेमिंग कॉन्सोल्स, चलो तुम, मेरे पास बहुत सारे हैं मेरे घर में, मैं तुम्हें सारे गेमिंग कॉन्सोल्स ला के दूंगी, जो भी तुम्हें चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर वो उसे किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, चलो मैं तुम्हें बहुत सारे गेमिंग कॉन्सोल्स ला के दूंगी। लेकिन सुकासा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे नहीं मान रही होती। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं चलने वाली हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे पास वो गेमिंग कॉन्सोल नहीं होगा जो मुझे चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें दुनिया का जो भी गेमिंग कॉन्सोल चाहिए रहेगा मैं वो ला के तुम्हें दूंगी, अब चलो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो। तब तक वहाँ पे आया आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन, और फिर इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो चुका रहता है। वैसे इन दोनों का मकसद तो एक ही रहता है, और फिर हमें पार्टी के बारे में पता चलता है। तो ये लोग अब पार्टी करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, लेकिन पार्टी करने के लिए और सामान भी तो चाहिए रहता है। सुकासा कहती है कि हम लोग सामान कहाँ से लेके आएंगे, हमें पार्टी करने के लिए और सामान चाहिए। तब तक मेट्स कहती है कि हमारे पास सामान है तो पहले से सामान रहता है, तो अब पार्टी शाम में शुरू होने वाली रहती है। आया कहते हैं चलो देखते हैं कि तुम हमारे नासा के लायक हो या फिर नहीं हो, तुम कितना अच्छा खाना बना सकती हो या फिर नहीं बना सकती हो। अब इस बात को सुन के चीटों से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन के बारे में वो ऐसा बोल रही होती है। तब वो कहती है कि ये बंदा उसके लायक नहीं है, समझी, ना कि वो इसके लायक, समझी। और आया कहती है अच्छा चलो देख लिया जाएगा कि कौन किसके लायक नहीं है, देखते हैं वो क्या कुक करती है। मगर अब पार्टी के लिए तो देर हो रही होती है, और ये कह रहा होता है कि अरे टेंशन क्यों लेते हो, चलो पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं। और इन दोनों के बीच में तो अपना अलग ही झगड़ा चल रहा होता है। खैर अब शाम हो गया रहता है और सुकासा ने सबके लिए खाना बना दिया रहता है, और यहाँ टाकुयामी की पार्टी चल रही होती है बहुत ही भयंकर टाइप का। सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि सुकासा ने यहाँ काफ़ी टेस्टी खाना बनाया रहता है। आया तो एकदम फिदा हो चुकी रहती, कह रही होती कि वाह क्या खाना है, लेकिन वो अपनी मंजिल से भटक गई रहती। वो सोचती कि नहीं खाना बनाने से सिर्फ ऐसा नहीं होगा, मुझे किसी भी तरीके से इसे नीचा दिखाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अपना अलग झगड़ा शुरू होने लगता है, और वो कहती है तुम्हें मेरी बहन की कुकिंग से कोई प्रॉब्लम है क्या। आया कहती है कि नहीं, चलो हम लोग ये गेम खेलते हैं, देखते हैं कि कौन इसमें जीत सकता है। और फिर
वो गेम के लिए एकदम राजी हो चुके रहते हैं सभी लोग, क्योंकि जो आया है वो बहुत पहले से गेम खेलते आ रही है। पर उन वो दोनों खेल रहे होते हैं गेम, तो सबसे पहले हमारे नासा की बारी रहती है। वो कहता है कि ठीक है चलो मैं ही खेल के देखता हूँ। खैर नासा को आता नहीं और वो 1 सेकंड के अंदर हार जाता है, तो नासा तो यहाँ से आउट हो चुका रहता है क्योंकि उसे गेम खेलना नहीं आता था। सो वो लोग कह रहे होते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें गेम खेलना नहीं आता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कनामे जान रही थी कि अभी क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कनामे गेम खेल रही होती है, लेकिन कनामे भी ज्यादा टिक नहीं पाती है क्योंकि कनामे को ज्यादा अच्छी तरीके से गेम नहीं आता था, सुकासा को ज्यादा अच्छी तरीके से आता था, तो सुकासा उसे बड़े आराम से हरा देती है। अब फाइनली फाइनली मेन जो टारगेट रहता है वो तो तीन ही लोग के बीच में होने वाला था, जो आप सबको पता है कि कौन तीन तीन होने वाले हैं। और मेट्स कह रही होती कि चलो हम लोग एक गिफ्ट भी रखते हैं, गिफ्ट में ये रहे कि जो भी जीते वो वो नासा से कोई भी काम करवा सकता है, मतलब नासा यहाँ पे फर्स्ट प्राइज में रख दिया गया रहता है, अब नासा को कुछ भी करना पड़ेगा। तो मेन तो तीन ही लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं। और सुकासा सोच रही होती कि मुझे अपने डार्लिंग को किसी भी हाल में इन सभी चुड़ैलों से बचाना पड़ेगा किसी ना किसी हाल में, और इन्हीं तीनों के बीच में मेन मैच रहने वाला था। चीटो से कहती कि तुम मुझे पुरानी वाली चीटो से बिल्कुल मत समझो, मैंने बहुत गेम खेला है और मैं तुमसे आराम से जीत सकती हूँ। आया कहती कि मैं भी बहुत लंबे वक्त से गेम खेलती आ रही हूँ, तो मुझे कम बिल्कुल भी मत समझना। और फिर पहला मैच आया और चीटोसे के बीच में ही होने वाला रहता है। चिटो से कहती कि देखना 1 सेकंड में मैं तुम्हें हरा दूंगी, लेकिन 1 सेकंड में तो वो खुद ही हार गई रहती है, आया जीत गई रहती है। और यहाँ पे किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वो बड़े आराम से जीत गई रहती है। तो फाइनली यहाँ पे सुकासा और आया के बीच में होने वाला रहता है, और आया कह रही होती है कि तुम भले कितनी बार में क्यों ना खेल लो मैं हरा डालूंगी, और चलो देखती हूँ कि आखिर तुम मुझसे टिक पाती हो या फिर नहीं टिक पाती हो। अब इसके हस्बैंड की इज्जत इसके हाथों में रहती है, क्योंकि अगर हार गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं हमारे नासा से। तो इनकी लड़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जो आया थी यहाँ पे इसके पास अपर हैंड रहता है, और ये बड़े आराम से हमारे सुकासा को हरा डालती है क्योंकि उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उस तरीके का। अब यहाँ पे सुकासा को गुस्सा आता है, वो कह रही होती है कि अच्छा चलो अब दूसरा गेम खेलते हैं, मतलब एकदम ओरिजिनल वाला गेम, नया वाला नहीं एकदम पुराना वाला कॉन्सोल से। तो पुराने वाले कॉन्सोल में क्या रहता है कि सुकासा को थोड़ा सा आसान रहता है, उसने पहले भी ऐसा खेला हुआ रहता है, और आया को तकलीफ हो रही होती है। तो वो पहला मैच तो बड़े आराम से हार गई रहती है आया, लेकिन धीरे धीरे करके वो सीख रही होती है। और सुकासा कहती है कि चलो देखती हूँ। आया ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप बना ली होती है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही होती है, तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। मगर फिर क्या होता है कि लास्ट में ड्रॉ हो चुका रहता है, इसका मतलब ड्रॉ हो गया है गेम और किसी ने भी हमारे नासा को प्राइज में नहीं जीता है। खैर अब इनका पार्टी वापस से शुरू हो चुका रहता है, और ये लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, खाना पीना सब चीज़ हो चुका रहता है, और काफ़ी मज़े के साथ साथ में हमें ये पता लगता है कि अब सब लोग जा रहे होते हैं। खैर राइवलरी अभी भी बाकी रहती है। अब उसके बाद ये लोग बर्तन धो रहे होते हैं, जहाँ पे वो पूछता है कि मान लो अगर तुम जीत जाती तो तुम मुझसे क्या करवाती, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। वो कहती है कि रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, और फिर वो जाकर उसे किस दे देती है, और दोनों बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग किस यहाँ पे रहता है। वो कहता है कि ये तो तुम बिना जीते भी कभी भी कर सकती हो, इसमें आखिर जीतने वाली कौन सी बात है, ये तो कभी भी दे सकता हूँ। और फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा नासा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी वर्क रहता है तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा होता है। हालांकि वर्क फ्रॉम होम करते करते इसे टाइम का पता ही नहीं चलता है, इसलिए सुकासा उससे चिल्ला रही होती है। अब शाम हो गई रहती है, वो काफ़ी थक गया रहता है, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया रहता है। वो कह रही होती है कि मुझे लगता है तुम्हें फीवर है, लेकिन ये कहता है कि अरे नहीं फीवर वीवर कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि ये लो थर्मामीटर से चेक करो, बेचारे को बहुत फीवर रहता है, ये तो यहाँ पे गिर गया रहता है। और सुकासा कहती है कि तुम्हारी एक अच्छी वाइफ होने के नाते मैं यहाँ पे तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, समझे, तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि उसे काफ़ी फीवर रहता है तो वो सो गया रहता है, और ये इसका पूरा ख्याल रख रही होती है, और सोचती है कि ये काफ़ी क्यूट भी लग रहा है, चलो एक काम करती हूँ फोटो क्लिक कर लेती हूँ, क्या ही पता चलने वाला है इसे। खैर अब सोते सोते रात के 8 बज गए रहते हैं, और वो 8 बजे उठ गया रहता है, अब पहले से फीवर कम हो गया रहता है, और सुकासा को ये बात पहले से पता रहती है कि थोड़ा सा ही फीवर था और दवाई देने पर ही ये ठीक हो जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन की कोई भी बात नहीं है। वो कहता है मुझे माफ़ करना मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। सुकासा कहती है कि नहीं तुम्हारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई मुझे, समझे, अब चलो अपने कपड़े उतारो क्योंकि तुम्हारा पूरा कपड़ा भीग चुका है। तो वो यहाँ पे इसकी पीठ को रब कर रही होती है, और जब वो पीठ को रब कर रही होती है तो ये बड़े अजीब अजीब नॉइजेस निकाल रहा होता है। और फिर वो कहती है कि चलो अब पैंट भी उतारो, पैंट भी उतारना है। वो कहता है मैं पैंट नहीं उतारने वाला हूँ, मान लो अगर हमारा जेंडर रिवर्स होता तो तुम इसके बारे में क्या सोचती। और वो सोच रही होती है, खैर ये भी बहुत ठरकी होती है और ये भी बहुत ही अलग इमेजिनेशन में जी रही होती है। वो कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा ठीक है तुम पैंट नहीं उतारना चाहते हो तो मत उतारो। और फिर दोनों बहुत ज़्यादा ही शर्मा के रहते हैं। उसके बाद इन दोनों का टाइम ऐसे ही कट जाता है। अब सोने का वक्त आ गया रहता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा था कि मुझे फीवर भी आया था, शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता है। सुकासा कहती है कि यहाँ तो हमें कभी पता नहीं चलता, याद है हमारी पहली मुलाकात में तुम्हें इतनी चोट लगी थी, अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तब भी तुम बेहोश नहीं होते, और अभी भी तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर था, अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तुम एक नंबर के गधे हो, समझे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा अब, समझे, और तुम्हें पूरी मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो उसे अच्छी तरीके समझा देती है,
और फाइनली अब दोनों सो रहे होते हैं। और यहाँ नासा कुछ कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि क्या इसने मेरा हाथ पकड़ा सोते वक्त, नहीं मुझे लगता है मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन नहीं उसने सही में इसका हाथ पकड़ा रहता है और कहता है कि तुम कैसे अब महसूस कर रहे हो, और वो कहता है कि हाँ मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वैसे मैं समर फेस्टिवल में तुम्हारे साथ जाना चाहता था इसलिए मैं ओवर वर्क कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ आराम से जा सकूँ। वो कहती है कि अच्छा मैंने वो पैम्पलेट देखा था। फिर दोनों और नज़दीक आ चुके रहते हैं और वापस से एक और जोरदार केस हो गया रहता है, लेकिन ये ठरकी रहता है थोड़ा नीचे जा रहा होता है, तभी सुकासा उसे मना करती है और कहती है कि हम लोग किसी और के घर में, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा वरना इसकी बहुत बड़ी वाली सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। अब नासा सोच रहा होता है कि ओह क्या मुसीबत है यार, कहाँ पर मैं फंस गया, खैर कोई बात नहीं अच्छी बात है। और फिर अगले दिन ये बोल रही होती है हमारे कनामे से फेस्टिवल में जाने के लिए, तब कनामे उसे आइडिया देती है कि तुम्हें किमोनो पहन के जाना चाहिए, किमोनो में तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी और मज़ा भी आएगा तुम लोगों को जाने में, तुम लोग कपल जो हो। तो यहाँ पे वो एक किमोनो भी निकाल के इसे देती है और कहती है कि तुम ऐसे किमोनो में जाओ। जब वो किमोनो चेंज कर रही होती है, मतलब ड्रेस चेंज कर रही होती है, तब हमारा नासा सोच रहा होता है अब तो मैं मैरिड हूँ तो अब तो मैं देख सकता हूँ कपड़े चेंज कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वो ये बात कह भी देता है कि मुझे देखना है और साफ साफ वो बोल भी देती है कि ठीक है अगर तुम देखना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आज नहीं तो कल तो देखना ही है तो तुम देख सकते हो। तो वो पूरा एकदम आके फाड़ के देख रहा होता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और नासा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है। वो धीरे धीरे इसके पास में आता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, और फिर से वापस से किस कर देता है। अब सुकासा कैसे अपने इस ठरकी पति को समझाए, खैर वो पीछे हटा देती है उसे और कहती है कि बस अब बहुत हो गया चलो हमें चलना चाहिए। तो वापस से अब चेंज हो चुका रहता है और फाइनली वो अपना कैमरा भी लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करूँगा, सारी मेमोरीज मैं रखना चाहता हूँ। तो ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ पे जहाँ पे उसे भूख लग गई रहती है सुकासा को, और ताको याकी भी यहाँ पे मिल रहा होता है तो वो उसे लेके आता है और फिर दोनों मज़े से खा रहे होते हैं ताको याकी को और मेले को देख रहे होते हैं, काफ़ी इंजॉय आ रहा होता है। तब तक वो जाते हैं जहाँ पे आया ने एक शॉप लगाई रहती है और चीटोसे उसकी मदद करने के लिए आई रहती है, लेकिन चीटोसे को खुद नहीं पता रहता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। तब वो कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो ना इसलिए तुम यहाँ पे आई हो, आए और वो कब से अच्छे दोस्त बन गए। तब आया बता रही होती है कि 300 रुपया लगेगा एक बार में मछली को पकड़ना है, जाल नहीं फटना चाहिए, बोलो तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या तुम्हें इस चैलेंज को मंजूर है। तब नासा कहता है कि ठीक है मुझे चैलेंज मंजूर है, और यहाँ पे मेट्स उसका हौसला बढ़ा रही होती है, तब ये एकदम ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन पहली बार में नेट फट चुका रहता है। सुकासा कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है चलो प्रे करने के लिए हम लोग चलते हैं, वहाँ पे देखो श्राइन है। तो ये लोग श्राइन के पास प्रे करने के लिए जाते हैं जहाँ पे सुकासा उसके लिए प्रे कर रही होती है और ये भी सुकासा के लिए प्रे करता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं इस दुनिया में कितने कम लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, या मुझे पता ही नहीं कि कितने लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। फिर वो सुकासा के लिए भी प्रे करता है, सभी लोग के लिए प्रे करता है जो उसकी परवाह करते हैं, सुकासा भी यहाँ पे उसके लिए प्रे कर रही होती है। और फिर ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ गए रहते हैं, हालांकि वहाँ पे श्राइन में कोई रहता नहीं है लेकिन फिर भी दोनों एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए रहते हैं। और ये एक और बार जाके उसे हक कर लेता है, इस बार किस नहीं करता है हक करता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इतना ठरकी बंदा है किस तो ज़रूर करेगा। तो वो किस करने के लिए जा रहा होता है तब तक कनामे और बाकी सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इस जगह पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे थे, चलो हम लोग फोटो खींचते हैं। वो कहती है कि अरे इतनी डार्क प्लेस में फोटो कहाँ से आएगी। तब वो दिखाता है उसे फोटो जहाँ पर उसने बहुत अजीब अजीब फोटो खींची रहती है सुकासा की। सुकासा कहती है कि तुम्हें इसे डिलीट करना चाहिए, मगर ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं और हाँ तुम लोग भी हमारे पीछे पीछे आ जाओ, वहाँ पर फायरवर्क सब शुरू होने वाले हैं। सुकासा तो यहाँ पे वापस शर्मा गई रहती है, लेकिन अब सभी लोग चले गए रहते हैं और वो लोग फायरवर्क्स को देख रहे होते हैं। तो ये फायरवर्क्स काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़ारा यहाँ पे रहता है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ रहता है, आज इन्होंने ताकोयोमी खाया, मज़ा किया, इतने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, मतलब अपनी मैरिड लाइफ को एकदम जी भर के इंजॉय कर रहे हैं। और दोनों बहुत ज़्यादा नासा को चोट लगी हुई रहती है और सुकासा वहाँ पे रहती है, वो कहती है कि अगर मैं नहीं आई हुई रहती तब तो तुम मारे जाते। वो कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है। वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तब तक इसका सपना टूट गया रहता है। और ये देखता है कि अरे ये क्या ये सब बस एक सपना था, तो इतने दिनों से मैं बस एक सपना देख रहा था और कुछ भी नहीं। तब तक सुकासा वहाँ आ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो एकदम से घबरा गया रहता है और कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उसे किस कर रहा होता है। उसके बाद ये थोड़ी शर्मा रही होती है कि ये सब कुछ ज़्यादा तो नहीं ना हो गया। तो अब यहाँ पर ये लोग अपना नॉर्मल डेली का रूटीन कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारा नासा काम कर रहा होता है, और वो कह रही होती है कि तुम बोर नहीं हो रहे हो क्या, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, आखिर तुम इतनी ज़्यादा बोरियत भरी ज़िंदगी जी कैसे सकते हो। मेरा मतलब ये है कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया, सारा पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। जब ये सोच रहा था कि मेरी वाइफ है तो सचमुच बहुत ज़्यादा क्यूट। अब सुकासा थक गई रहती है, कहती कि डार्लिंग मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो कहता है कि रुको काम पूरा कर लेता हूँ फिर अटेंशन देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जिए, मतलब हमें कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, कुछ
करने के लिए हमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे नासा के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि चलो मूवी देखने के लिए साथ में चलते हैं। वो कहती है क्या सचमुच? कहता है कि हाँ जरूर, रुको मैं सबसे पहले अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है मूवी में जाने के लिए। सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी टिकट्स बुक करता है और ये एकदम एक्सपेंसिव वाला थिएटर रहता है जहाँ ये सोच रहा था कि ये सचमुच मूवी को इंजॉय कर रही है। वैसे ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मतलब देखो इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को। पहले के ज़माने में लोग हाथ पकड़ के किस कर लिया करते थे जब अंधेरा होता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका ये टाइम खराब करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश दिख रही है और सुकासा सही में मूवी को इंजॉय कर रही थी। नासा तो बस सुकासा ही को देखते जा रहा होता है कि ओ माय गॉड ये किस तरीके से इसका रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का रिएक्शन है, और बस देखते चला जाता है उसे। और पूरी मूवी में वो मूवी नहीं देखता है, सिर्फ सुकासा को देखता है, लेकिन जो सुकासा रहती है वो इसे नहीं देखती है, वो तो पूरा मूवी ही देखती है। अब उसके बाद ये आता है कमाने के पास में, जहाँ पे कमाने को बताता है आप मूवी देखने के लिए गए थे। तब कमाने कहती है कि वाह बहुत ही अच्छी बात है, मगर तुम दोनों की शादी का क्या हुआ, मतलब तुम दोनों अपनी शादी करोगे या फिर नहीं करोगे। वो कहता है कि शादी तो वक्त की बर्बादी है, वैसे भी हमारी शादी हो गई है। तो वो कहती है क्या तुम चिटोसे को बुलाओगे अगर तुम लोग शादी करोगे तो? वो कहता है कि हाँ हम चिटोसे को ज़रूर बुलाएंगे, हालांकि उसने हमारी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो शादी कर ही ली है। और वैसे भी कौन इतना शादी के झमेले में पड़ना चाहेगा, इतना सब चीज़ करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे ही ठीक लगता है। लेकिन कनामे कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब ये चीज़ ये सोच रहा होता है तो ये जाकर पूछता है सुकासा से कि शादी के बारे में क्या कहती हूँ, वेडिंग करना चाहिए? वो भी मना कर देती, कहती है क्या वेडिंग करोगे, इतने सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, रिलेटिव्स को बुलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि हमें वेडिंग करनी चाहिए, ऐसे ही तो ठीक है, और वैसे भी फिर हमें ड्रेस बनवानी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तब ये कहता है कि चल ना हम लोग वेडिंग करते हैं मज़ा आएगा, लेकिन सुकासा यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देती है। तो पता है तुम्हें, पता है तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, समझे? तुम भले चालाक हो लेकिन तुम्हें वेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें पता नहीं है कि वेडिंग में कितना ज़्यादा झमेला होता है और एक ही हफ्ते के अंदर हम लोग पूरा अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये सब करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बड़ा बात है। चलो तुम मुझे बताओ अगर तुम्हें एक वेडिंग डेस्टिनेशन अरेंज करनी है तो कैसे करोगे? तब ये कॉल करके बोल रहा होता है कि हाँ मुझे वेडिंग करनी है, मुझे कपड़े और इतना ज़्यादा खाना प्लेट इतना चाहिए, और अजीब बोल रहा होता है। तब तक आ चुकी रहती है कनामे और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तब ये बताती कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ वाटरमेलन लेके। तो अब यहाँ पर ये लोग बैठ के वाटरमेलन खा रहे होते हैं, जहाँ पे ये बता रही होती है कि किस तरीके से हमारे नासा को वेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इसे लगता है कि वेडिंग गुड्डे गुड़ियों का खेल है, कैसे कॉल किया, वेडिंग डेस्टिनेशन प्लान की, लोगों को बुलाया और काम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वेडिंग करने में लगभग 7-8 लाख रुपये खर्च होते हैं वहाँ के हिसाब से, नॉर्मली तो ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। और वो देख के हैरान हो जाता है क्या इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, अरे इतने में तो नया घर आ जाएगा और कितनी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ये तो सचमुच बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर वो लोग बता रहे होते कि देखो वेडिंग प्लान करने के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लोग इसके लिए सालों से प्लान करते हैं तब जाके कहीं काम पूरा होता है। खैर अब उसके बाद हमें चिटोसे को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन्हें पता लगता है कि कहीं वो लोग वेडिंग प्लान कर रहे हैं। तब ये लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या वेडिंग? चिटोसे कहती कि हाँ वो लोग वेडिंग प्लान कर रहे होते हैं। फिर वो लोग पूछते हैं मेड कि अगर वो तुम्हें अपने वेडिंग में बुलाएंगे तो क्या तुम जाओगी? चिटोसे चिटोसे कहती है कि देखो मैं तो उनकी शादियों के एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन को उस प्यारे से वेडिंग ड्रेस में देखना ज़रूर पसंद करूंगी, और हाँ मैं उनके वेडिंग में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहती हूँ जिससे सुकासा को बुरा लग जाए। तो अगर वो लोग मुझे वेडिंग में बुलाएंगे तो मैं वेडिंग में ज़रूर जाऊंगी। वो लोग कहते हैं कि वाह तुम तो सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें अपनी बहन की इतनी ज़्यादा परवाह है। वो कहती है कि देखो मुझे इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि वो खुश रहे, और मैं जानती हूँ कि ग्रैंड माँ भी उसे वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें नासा को दिखाया जाता है जहाँ नहा धोआ कर यहाँ मोबाइल में देख रहा होता है कि वेडिंग में सचमुच यार बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, इतने ज़्यादा खर्चे में तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तब वहाँ पे आया को बैठे हुए देखता है, उसके पास जाता है, वो आया से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आया कहती है कि मैंने कहा था कनामे से कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन देखो मैं मदद करने के बहाने यहाँ पर वीडियो गेम्स खेल रही हूँ। और हाँ वैसे तुम्हारे वेडिंग का क्या हुआ, तुम लोग तो वेडिंग करने के बारे में बात कर रहे थे ना? वो कहता है कि हाँ मैं वेडिंग करने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। फिर वो उसे कह रही होती है कि अच्छा देखो अब ये राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांस आगे की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वेडिंग इतना आसानी से नहीं होता है। तब तक वहाँ पे सुगासा भी आ चुकी रहती है और पता लगता है कि वेडिंग के लिए ऐसे ही काम नहीं चलता, वेडिंग के लिए बहुत लोगों को बुलाना पड़ता है, पहले से इनविटेशन, बहुत सारा खाना का अरेंजमेंट, लोग सालों से इसकी प्लानिंग करती हैं तो उसके बाद कहीं जाके वेडिंग करते हैं, और वेडिंग ड्रेस के बारे में भी अलग झमेला रहता है। तो आया कहती है कि तुम लोग जाकर एक बुक क्यों नहीं खरीद लेते हो, ये एक अलग टाइप की बुक रहती है जिसमें वेडिंग के बारे में सारी चीज़ें रहती है, ये एक वेडिंग का मैगजीन रहता है समझे एक तरीके से। तो वो लोग जाते हैं और मैगजीन को खरीद लेते हैं, मैगजीन में वेडिंग के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए जा रहे होते हैं तो दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों का रिश्ता टूट भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी उस वेडिंग वाले में लिखी हुई रहती है। और ये देखकर
ये दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं कि पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मतलब जो एक साल से डेट कर रहा है शादी आते आते तक कैसे अपनी शादी को तोड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब वेडिंग के लिए स्पेशली एक बुक लिखी गई रहती है, लेकिन जो कपल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, मतलब जिनका बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है वो लोग आखिर में हैप्पी ही रहते हैं। सुकासा को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग वेडिंग करें या फिर ना करें, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही तो वेडिंग कर ली रहती है, इन लोगों ने ऑन पेपर वेडिंग की रहती है ना, तो वही सुकासा के लिए बड़ी बात रहती है। और वैसे भी ये जानती है कि नासा इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और नासा इसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, और नासा भी बिल्कुल यही सोचता है। अब रात के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे नासा बहुत ठरकी हो रहा होता है और दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं, जहाँ हमारा नासा खुल के अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा सही में बोलो तो खुश हैं। ऐसे ऑन पेपर वाली वेडिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, जो नॉर्मली वेडिंग होता है ना उससे तो बढ़िया ही चल रही है, और लास्ट में दोनों किस भी कर लेते हैं। तो आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ठरकी हो रहा है और कुछ ज़्यादा किस कर रहा है, आगे हमें पता लगता है कि अब अभी भी ये काम कर रहा होता है, हमारा नासा काम कर रहा होता है, और कहता है कि ये जो तुम टीवी प्रोग्राम देख रही हो उसमें जो मैथ का फॉर्मूला है वो गलत है। सुकासा कहती है कि वाह, तुम काम करते करते देख भी लिए और बता भी दिए कि इसमें ये सब गलत भी है, तुम तो होशियार हो। आगे हमें नासा के टीचर को दिखाया जाता है और ये टीचर सोचती है कि एक ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो भी चला गया अब कॉलेज के लिए, और टीचर्स के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्लब, और अगर किसी स्टूडेंट ने पंगा कर दिया तो वो भी दिक्कत वाली बात है, और मेरा एक ब्राइट स्टूडेंट भी चला जा चुका है। और जब वो काम करके उठती है तब तक एक टीचर आ जाता है और कहते हैं कि मैम, क्या आप मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क में चलना चाहेंगी, मेरे पास 2 टिकट है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलती। तो मैम उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, और वो टीचर को दिल दुखा के चली जाती है। लेकिन जब वो स्टोर से निकलती है तब वहाँ पर उसे नासा दिखाई देता है और वो नासा से पूछती है, अरे तुमने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? वो कहता है कि अभी नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो वो नासा के हाथ में एक रिंग को देखती है और वो सोच रही होती है क्या इसने शादी कर ली, फिर वो उसे पूछती है तब ये कहता है कि हाँ मैंने शादी कर ली। टीचर सोच रही होती कि क्या ये इसने शादी कर ली, कहीं ये किसी गली गलत लड़की के संगत में तो नहीं ना पड़ गया। तो वो चली जाती है सीधे इसकी वाइफ से मिलने के लिए। सुकासा देख के हैरान होती है कि अरे ये कौन है। नासा बताता है कि ये वो टीचर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब सुकासा को देखने के बाद वो कह रही होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी अच्छी लड़की भी लग रही है। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, जहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है सुकासा, और नासा को देख के वो समझ गई रहती है कि ये दोनों सचमुच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन क्या ये सीक्रेटली लव करते हैं। उसके बाद सुकासा उनके लिए खाना बनाती है, पहले तो टीचर मना कर देती है लेकिन फिर उन्हें भूख लगी हुई रहती है तो वो खाना अब यहाँ पे खा रही होती है, और सोचती कि ये दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन फिर भी देखो दोनों के बीच में प्यार एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी जेलेसी नहीं है। उसके बाद वो नासा से पूछती कि तो तुम किसी कॉलेज में हो, क्योंकि वेडिंग करने के बाद लोग ज़्यादातर कॉलेज जाते हैं या फिर कुछ जॉब करते हैं। तब ये कहता है कि नहीं, अभी तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ और मुझे पैसे कमाने हैं, कॉलेज जाने का मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। मगर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है, मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन नासा कहता है कि नहीं मैम, और फिर बात करने के बाद वो लोग बाय कह देते हैं। अब टीचर यहाँ पे आ चुकी रहती है तो टीचर वापस से उन्हीं टीचर को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। वो टीचर तुरंत ही कहता है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं मैम, चलिए। अगले दिन बाथ हाउस में एक बंदा आता है और ये काफी गुस्से में रहता है और ये कहता है कि आखिर नासा कहाँ पर है। इसे सुनकर तो कनामे काफी डर गई रहती है, लेकिन सुकासा उसके सामने खड़ी रहती है और ये काफी गुस्से में लग रहा होता है, कह रहा होता है कि कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए। लेकिन सुकासा उसके सामने खड़ी रहती है और कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या काम है और तुम्हें यहाँ पे खड़े रहना है तो तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, समझे, तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कनामे तो देख के डर गई रहती है कि आखिर पता नहीं ये बंदा यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, और ये पूछता है कि बताओ मैंने पूछा आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं बताने वाली हूँ। तब तक वहाँ पे आ चुका रहता है हमारा नासा और फिर वो कहता है कि ओ भैया मैं आपसे कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। अब इसे सुन के सब हैरान हो चुके रहते थे, हमें पता लगता है कि ये हमारे नासा का कज़न है और इसका नाम जिंगा रहता है, समझे, तो ये जिंगा रहता है और फिर हमें पता लगता है कि इसने शादी कर ली है। तो जिंगा सुन के काफ़ी हैरान हो चुका रहता है, माफ़ी मांगता है बाद में सुकासा से, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, और फिर बता रहा होता है कि कैसे हमारे बड़े भैया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है पहले भी, मतलब स्कूल में बहुत मदद की है, ये भले गैंगस्टर जैसा दिखता और गैंगस्टर जैसी बातें कर रहा होता है लेकिन इसका मतलब नॉर्मल रूटीन से था, और कहता है कि बॉस भी बहुत खुश है, बॉस से मतलब प्रिंसिपल से था इसका, और बोल रहा होता है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है भैया, क्या आप उस प्रॉब्लम में मेरी मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या आप दोनों किस कर सकते हैं ताकि मैं जान सकूं कि आप दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर प्यार नहीं करते हैं। सुकासा कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, किसी के सामने हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मगर नासा ठरकी रहता है यार, कह देता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग किस कर सकते हैं। सुकासा कहती है कि अच्छा ठीक है, और वो लोग जा रहे होते किस करने के लिए, जिंगा कहता है बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ नहीं देख सकता हूँ, ठीक है मैं तुम लोग को मान गया कि तुम लोग हाँ शादीशुदा हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, और हाँ एक काम है भैया मुझे आपसे, क्या आप मेरा वो काम कर सकते हैं। तब ये लोग गार्ड को बुलाते हैं, हालांकि वो भी इसी के दोस्त रहते हैं, और ये किटन को लेके आए रहते हैं और बता रहा होता है कि कैसे हमें ये किटन पड़ा हुआ मिला था, फिर हमने सोचा कि हमें इस किटन की मदद करनी चाहिए, हालांकि हमने पैम्पलेट्स भी बांटे
पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। और भैया वैसे भी आपने पहले भी एक बिल्ली को पाला था, तो मुझे लगता है कि आप इसका भी अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। वो कहता है, लेकिन तुम्हें इसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। जिंगा कहता है कि हाँ हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। उसके बाद वो अपने साथियों को कहता है कि हाँ हमें इसे लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो लोग इसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो छोटा बिल्ला अभी निकला हुआ नहीं रहता और ये काफ़ी क्यूट और काफ़ी घायल भी रहता है, तो यहाँ डॉक्टर उसका ख्याल रख रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं इसका नाम क्या रखा जाए। सुकासा कहती है कि हमें इसका नाम टोस्ट रखना चाहिए। अब वो पूछ रही होती है कि आखिर ये सब क्या है। वो बता रहा होता है, तब तक जिंगा आ चुका रहता है और कहता है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। वो बताता है कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं बिल्ले के लिए। जिंगा कहता है कि मैं उसकी शॉपिंग कर दूंगा, मगर वो कहता है कि इतना भी आसान नहीं है। फिर वो जिंगा को बता रहा होता है कि देखो ये सारे सामान चाहिए, क्योंकि बिल्ली को पालने के लिए इतना ही काम नहीं रहता है। और जिंगा एकदम लिखते लिखते हैरान हो रहा होता है, सोचता है कि एक बिल्ली को पालने के लिए भाई कितना सारा सामान चाहिए। तो वो पूरा एकदम A to Z लिख लेता है और कहता है मैं सामान लेके अभी वापस ले आया। और बिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब जो बिल्ला रहता है वो सुकासा के पास तो जा रहा होता है, लेकिन इसे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन रात में कहता है ए उठ मुझे खाना चाहिए, चल मुझे खाना ला के दे। तो वो जाता है बिल्ली को खाना दे देता है और खाना खाने के बाद वो सुकासा के पास चला जाता है। अगले दिन हम देख रहे होते हैं कि वो सुकासा को सारी बात बताता है, जहाँ वो बोलती है कि इसे भी तुम्हारे पास अटेंशन चाहिए, जैसे मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए रहता है, इसे भी तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो कहता है क्या सचमुच तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए और इसे भी अटेंशन चाहिए। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही, देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा है एकदम। और वो उसके पास आके सो गई रहती है और फिर ये दोनों और भी ज़्यादा नज़दीक आ रहे होते हैं। लेकिन तब तक कनामे आ चुकी रहती है और कहती है कि ये सब करना यहाँ पे अलाउ नहीं है पब्लिक प्लेस में। अब रात हो गई रहती है, जहाँ पर जो बिल्ली रहती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और सुकासा भी उसे काफ़ी प्यारी लग रही होती है। वो समझ चुकी रहती है ये बहुत ही ज़्यादा ठरकीपन महसूस कर रहा है, तो दोनों यहाँ पे किस कर लेते हैं। जानते ही है कितना ज़्यादा ठरक भरा हुआ। बिल्ला सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुको मैं और पास से जाकर देखूंगा। वो मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसके कंधे पर चढ़। आशा के भाई ने अम्यूजमेंट पार्क का टिकट दिया हुआ रहता है उसे और कहता है कि मेरे पास दो टिकट है, तुम दोनों चले जाओ। तो यहाँ पे सुकासा बोर हो रही थी, इसलिए नासा को आइडिया आता है और पूछता है कि हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चले कल। तो वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, अब उससे रहा नहीं जाता है। और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि ठीक है मैं सोने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठ पाऊँ और फिर हम लोग मज़े से घूमने चलेंगे। और नासा सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है ये। लेकिन अगली सुबह बारिश होने लगती है और ये सोच रहा था कि ओ माय गॉड सारा प्लान एकदम यहाँ पे खराब हो गया। लेकिन सुकासा कहती है कि नहीं प्लान कुछ भी नहीं खराब हुआ है, चलो हम लोग चलेंगे घूमेंगे मज़े करेंगे और क्या। तो ये लोग जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, और साथ ही साथ जो हमारी चीटोसे रहती है वो भी अपने गैंग के साथ इस अम्यूजमेंट पार्क में आई रहती है। हालांकि वो इनके ऊपर नज़र बनाने के लिए आई रहती है और सोच रही होती है कि पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। फिर वो देखती है कि वो रहे वहाँ पर, लेकिन उसका जो गैंग है वो उसे दूसरी तरफ लेके जा रहा होता है। तो वो लोग अपना अलग ही मज़ा कर रहे होते हैं, लेकिन चीटोसे अभी भी उन दोनों को ही देख रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने टिकट ले लिए रहते हैं और फिर ये राइड कर रहे होते हैं और ये लोग भी अपना मज़े कर रहे होते हैं। तो दोनों अलग अलग अपने मज़े कर रहे होते हैं। नासा को तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि सुकासा को यहाँ पर अच्छा लग रहा होता है और वो सुकासा की खुशी के लिए ही यहाँ पर आया हुआ रहता है, क्योंकि तो इसे तो अम्यूजमेंट पार्क के बारे में ज़्यादा क्या ही नॉलेज था, लेकिन उसे देख कर ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और फिर बारिश हो रही होती है तो रेनकोट भी ये लोग पहन चुके रहते हैं और वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। जब वो लोग अंदर चले जाते हैं तो अलग अलग यहाँ पर वो लोग अलग अलग झूले पे झूल रहे होते हैं और यहाँ पे ये स्पेस वाले सेंटर में सुकासा को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे वापस से आना चाहती हूँ, लेकिन फिर हमारा बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तब तक पीछे से टीचर की आवाज़ आती है और वो कहती है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इनका जगह खाली है तो तुम लोग जा सकते हो। वो लोग टीचर से पूछते हैं कि आप, टीचर बताती है कि हाँ मैं यहाँ पे एक टीचर के साथ आई हूँ। वो लोग पूछते हैं क्या बॉयफ्रेंड, वो कहती है कि नहीं एक फ्रेंड है, उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क का टिकट जीता था तो उन्हें कोई चाहिए था तो मैं उनके साथ आ गई हूँ। अब सुकासा यहाँ पे समझ चुकी रहती है कि आखिर कोई किसी को क्यों लेके आएगा अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में। शायद हो सकता है कि वो टीचर हमारी टीचर से लव करते हों, और वो तो समझ गई रहती है, लेकिन हमारा नासा यहाँ पे एकदम ना समझ रहता है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। और हमारी टीचर को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता है कि जो सर थे वो इन्हें पसंद करते थे, इसलिए इन्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आए रहते हैं। और टीचर कहती है कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन सुकासा के दिमाग में सोच रही होती है कि नहीं हम दोनों इनके बीच में कौब में हड्डी नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो नासा से कहती है कि चलो चलो मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है। तो वो उसे लेके आ जाती है और यहाँ पे वो बता रही होती है कि देखो आखिर सिचुएशन क्या है, तुम इतने होशियार हो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो टीचर के साथ तुम्हारी टीचर आई है वो उनसे प्यार करते हैं। और फिर नासा कहता है क्या सचमुच, वो कहती है कि हाँ सचमुच, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो चलो चल कर देख लेते हैं और हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। तो वो लोग जा रहे होते हैं देखने के लिए क्या सचमुच ऐसी ही बात है। तो नासा तो बहुत एक्साइटेड रहता है अपनी टीचर को देखने के लिए। तो वो लोग जाके देखते हैं तो सही में वो लोग एक टीचर के साथ आए हुए रहते हैं और वो उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये यहाँ कमेंट्री दे रहा होता है कि चलो देखते हैं क्या वो हाथ पकड़ पाएंगे या फिर नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वो हाथ पकड़ने जा रहे होते हैं और काफ़ी ये लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन नहीं
वो हाथ नहीं पकड़ते, अभी अपने टीचर का पीछा कर रहे होते हैं, दूर से ही देख रहे होते हैं, जहाँ पे इनके टीचर काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्होंने हाथ पकड़ लिया रहता है। और फाइनली ये लोग काफी खुश होते हैं, वो लोग हाथ पकड़ते हैं और ये लोग खुश होते हैं, और इधर काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ वो लोग सब लोग चिटो से भी अपना गैंग पूरा मजे कर रहा होता है, मतलब सब एक के पीछे एक रहता है। और इधर हमें दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आते हैं, तो ये कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि सामने में एक बंदा एक लड़की को प्रपोज कर रहा था और बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा था, क्योंकि उसके पास भी फ्री टिकट थे। और ये सोच रहे थे कि टीचर वो नहीं कुछ बोलना मत वरना तुम मेरा सारा प्लान खराब कर दोगे, लेकिन वो सब बक देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ लेके आया। अब यहाँ पर मैडम को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है लगता है आपकी तरह बहुत लोगों ने टिकट जीता है। सर कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब सर सोच रहे थे क्या मैडम को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करती है क्या। तब मैडम को दिखाई देता है कि यहाँ पे शादियां भी होती है क्या। सर कहते हैं कि हाँ यहाँ पे शादी भी होती है, और ये दोनों काफी खुश लग रहे हैं, मतलब देखो बारिश हो रही है फिर भी ये दोनों कपल्स इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं, इसका मतलब ये लोग आगे वाली जिंदगी में भी हमेशा खुश ही रहेंगे। और जो मैम रहती है उन्हें भी ये देख के काफी अच्छा लग रहा होता है कि दोनों कपल्स की यहाँ पे शादी हो गई है, लेकिन सर सोच रहे थे लगता है मैम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए उन्होंने मुझे कोई भी हिंट नहीं दिया है, तो सर को काफी बुरा लग रहा होता है। और फिर यहाँ चिटो से देखती है कि ये क्या ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग भी जाते हैं देखने के लिए। तब हमें पता लगता है कि ये लोग एक कैफे में घुसे हुए रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती है करने के लिए खाने के लिए, और फिर हमारी सुकासा उसे बता रही होती है फूड के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में, और दूर से ये देख रही होती है चीटों से गुस्सा आता, कह रही होती है कि आखिर हम लोग इस कैफे के अंदर कैसे घुसेंगे, इसकी मेट्स कहते हैं कि हम लोग ये मास्क लगा के घुसेंगे। और फिर वो दोनों वहां पर खाना सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि किसका खाना कितना ज्यादा बेहतर है, तो यहाँ वो देखता है कि सुकासा का प्लेट तो बहुत अच्छा था, वो कहता है रुको मैं एक सेकंड में आता हूँ, अपना प्लेट वापस से सुधार के वो ला रहा होता है। और फिर वो देखती है कह रही है कि यहाँ एक टेडी बियर भी है, तो सुकासा जाती है और उस टेडी बियर को हक करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टेडी बियर को हक कर रहे थे ना, इसीलिए चिटोसे को काफी जलन हो रही होती है और वो सोचती है कि मुझे भी जाना है उसे हक करने के लिए। खैर जब सुकासा वहां से चली जाती है तो वो भी जाती है और वो भी उस टेडी बियर को हक करती है, जो कि काफी ज्यादा फ्लफी रहता है। यहाँ पर अभी तो आतिशबाजी होना भी बाकी रहती है, तो इसलिए वो दोनों जाते हैं आतिशबाजी देखने के लिए, और इधर मैडम और जो सर रहते हैं वो भी जाते हैं आतिशबाजी देखने के लिए। जहाँ सर सोच रहे थे क्या मैं मैडम को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूं, मैम कहती है कि आपके साथ आज घूम के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ज्यादा सेफ महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। तब सर कहते हैं तो क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब मैम जो होती है काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है इस बात को सुन के, क्योंकि वो भी लगभग यही बात बोलने वाली रहती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि आज तक इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस यहाँ पर फैल चुकी रहती है। और सर सोच रहे होते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोल दिया, लेकिन जो मैम रहती है वो कहती है कि आपके साथ रह के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दोनों के बीच में और भी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी रहती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सीन रहता है। ये सभी चीज़ चिटो से दूर से ही देखती है और कहती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। उसके साथ ही कहते हैं क्या तुम उन्हें जाके हाय नहीं बोलोगी। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि मुझे कौब में हड्डी बननी चाहिए, क्योंकि जो सीन यहाँ पे चल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन चल रहा है, दोनों कपल्स मिल चुके रहते हैं और यहाँ अब अगले दिन वो काम कर रहा होता है। तो आ गई रहती है हमारी कनामे जो कहती है कि इस वैक्यूम क्लीनर को ठीक कर दो, क्या तुम ठीक कर पाओगे। वो अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लड़ाता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं इसे ज़रूर ठीक कर दूंगा। तो फिर वो उसे बता रहा होता है कि आखिर किस तरीके से इसे ठीक किया जाता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस। तब तक आया आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करोगे ना। नासा कहता है कि देखो मैं कॉलेज में नहीं गया, मैं तो हाई स्कूल से ही बस पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन आया कहती है कि तुम बहुत होशियार हो और तुम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दोगे, तो मेरी मदद कर दो ना। नासा कहता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी नोटबुक और तुम्हारा मार्कशीट देखना है। आया कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सारी चीज़ दिखाऊंगी, बस तुम मुझे पढ़ा दो, किसी भी तरीके से पास करवा दो। और फिर वो देख रहा होता है इसकी नोटबुक को और पूछ रहा होता है इससे कुछ कुछ सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की रहती है। अब कहता है कि ठीक है चलो मुझे तुम्हारी मार्कशीट देखनी है। तब वो अपनी मार्कशीट लेके आती है जहाँ पे नंबर कुछ खास अच्छे नहीं आए रहते हैं, ये तो लगभग पूरा फेल रहता है। तब वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है ये सब बहुत आसान है और मैं तुम्हारे नोट्स बनाने में भी मदद करूंगा, और ये सब मेरे लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि नाशा रहता है बहुत ज़्यादा समझदार। तो अब जब शाम हो गई रहती है तो ये यहाँ पे उसके नोट्स बनवाने में और उसे पढ़ाने में आया को मदद कर रहा होता है। हालांकि आया को थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन नासा पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा होता है और वैसे भी इसके पास एक ट्रिक रहती है जिससे ये पता लगा लेता था कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले। वो कहती कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है मैथ के बारे में, तब वो अपना ज्ञान फिर से देने लगता है, बहुत ही ज्ञानी बाबा रहता है। सो बहुत देर पढ़ाई कर लेने के बाद आया ने फाइनली कंप्लीट कर लिया रहता है और सुकासा सोचती है कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है उसे पढ़ाने के बाद ये वापस से काम करने लगा था। वो पूछती है क्या तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके नोट्स बना रहे हो। बोलता है कि नहीं मैंने उसके नोट्स पहले बना दिए, मैं ये थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस का।
वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। वो अजीब सा आवाज निकाल रहा होता है और कहती है कि चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर बाद में जब सुकासा उसे फोर्स करती है तब वो कहता है कि ठीक है। और काफी ज्यादा इसे अजीब भी लग रहा होता है, वैसे काफी मजा भी आ रहा होता है क्योंकि पहली बार सुकासा इसकी पीठ दबा रही होती है और काफी अलग अलग पोजिशन में यहाँ पे उसकी पीठ दबा रही होती है, तो नासा को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा होता है। अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये मेरी पीठ दबा रही है तो मुझे भी इसके फेवर का एहसान चुकाना पड़ेगा। और फिर जब वो ऐसे हाथ कर रही होती है तो इसे काफी शर्म आता है और वो कहता है कि रुको अब मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ। वो कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन नासा फिर सजेस्ट करता है तब वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि सुकासा को पसंद नहीं रहता है कि कोई भी बंदा इसे टच करे। खैर अब तो ये लोग मैरिड रहते हैं, तो नासा पहले तो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर उसके कंधे दबा रहा होता है जहाँ पे काफी अजीब अजीब रिएक्शन दे रही होती है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है और आराम से वो उसके कंधे दबा रहा होता है। तो सुकासा को यहाँ पे काफी अच्छा रिलैक्सिंग महसूस हो रहा होता है और नासा नासा को भी मजा आ रहा होता है क्योंकि जानते ही है नासा कितना बड़ा ठरकी है, तो इसे तो मजा आ ही रहा होगा। अब जब नासा बाद में जाता है तब कनामे पूछती है कि तुम दिन में कितनी बार किस करते हो तुम दोनों। वो कहता है कि तुम्हारा मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में तुम्हारा क्यों इंटरेस्ट है इतना ज्यादा, तुम मत लो। ये कहती है कि नहीं, मैंने बस एक टीवी शो में देखा था कि आखिर एक कपल एक पूरे दिन में कितनी बार किस कर लेते हैं, और वैसे भी वहां पर बताया गया है कि अलग अलग किस के अलग अलग मतलब भी रहते हैं, और मैंने तो पूरी लिस्ट भी बना के रखी है कि आखिर कहाँ पे किस करने से आखिर क्या मतलब रहता है। खैर तुम्हें नहीं जानना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें नहीं जानना है तो मत जानो। लेकिन अब वो इंटरेस्टेड हो गया रहता है, नासा कह रहा होता है कि नहीं मुझे जानना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ बताने वाली थी। फिर वो बता रही होती कि अलग अलग जगह पे किस करने का क्या मतलब होता है, और इसने तो पूरा एकदम नोट्स भी तैयार करके रखे हुए रहते हैं कनामे ने। कनामे अपने नोट्स को फ्लेक्स कर रही होती है और कहती क्या तुम्हें ये चाहिए, और फिर वो ले भी लेता है इससे। और यहाँ पर अब ये लोग जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ हमें पता लगता है कि अभी रात हुई रहती है और काफी मजा आ रहा होता है। ये सोच रहा होता है उसी नोट्स के बारे में और किस करने के बारे में। सुकासा पूछती है क्या हुआ, तभी कहता है नहीं तुम्हारे बालों से खुशबू काफी अच्छी आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि खुशबू ले लूँ बालों की। तब वो कहती है कि तुम ऐसे पास से भी तो ले सकते हो, इतनी दूर से लेने क्या जरूरत है, मुझे पता है तुम किस करने के बारे में सोच रहे थे। वो कहता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा ठरकी जो हो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश करने वाले थे। वो ये सोच रहा था कि इसके नेक पे किस करूँ क्या, और वो उसे सजेस्ट भी कर रहा होता है। हालांकि सुकासा कहती है कि लेकिन अभी कोई हमें देख लेगा तो। नासा कहता है कि इस पार्क में कोई भी नहीं और हमें कोई भी नहीं देखने वाला है, लेकिन उसे अजीब लग रहा होता है। वो कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि कोई हमें देख लेगा। लेकिन तब तक इन्हें किसी की आवाज़ आ रही होती है और फिर ये लोग जाते हैं देखने के लिए। तब देखते हैं कि अरे ये क्या, दोनों टीचर यहाँ पे पार्क में रहते हैं दूर में, और वो लोग झाड़ियों से देख रहे होते हैं और ये दोनों यहाँ पे किस कर लेते हैं। ये देख के दोनों एकदम हैरान हो चुके रहते हैं कि अरे ये क्या, इनके बीच में ये क्लोजनेस इतनी ज़्यादा कब से आ गई है, हमने तो सोचा ही नहीं था, उस दिन पार्क में थे और अभी देखो यहाँ पर ये बात इतनी ज़्यादा आगे कैसे फैल गई, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लोगों ने तो किस नहीं किया रहता है। वो लोग वापस आ चुके रहते हैं। अब जब वापस आ गए रहते हैं तो यहाँ पर ये ग्रेप्स खा रहे होते हैं जो कनामे लाके दी हुई रहती है, और फिर लिस्ट यहाँ पर सुकासा को भी कनामे दी रहती है सारे किस करने के। तो यहाँ ये शुरू भी हो चुका रहता है। सबसे पहले वो गले पे किस करता है, उसके बाद जो अलग अलग मीनिंग रहता है कि कान पे किस करने से ये मीनिंग होता है, गले पे किस करने से ये मीनिंग होता है, तो सबका अलग अलग रहता है। अपना लव और अफेक्शन दिखाने का ये अपना अपना स्टाइल रहता है। फाइनली अब कोई ऐसी जगह नहीं बच गई रहती है जहाँ पर नासा ने किस ना किया हो, लेकिन हम सभी को पता है कि वो कौन सी जगह है, और वो ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। खैर अब उसके बाद ऐसे ही टाइम बीत चुका रहता है और कनामे पूछ रही होती है तुम दोनों पार्क में कितनी बार किस करते हो, हाँ क्या कर रहे थे। नासा कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुमने सब कुछ देख लिया क्या। कनामे कहती है मैंने क्या, बहुत लोगों ने देखा और काफी बार देखा है, तो तुम लोग ऐसे पार्क में किस बिल्कुल भी मत किया। की मॉम आई रहती है अपनी ट्रिप से, लेकिन कनामे उन्हें इग्नोर कर देती है और कहती है कि आप कौन है। वो कहती है कि अरे भूलो मत मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो कहती है कि अच्छा लेकिन आप तो हमें छोड़ के चली गई थी क्या। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बस ट्रिप के लिए गई थी, और हाँ ट्रिप से आने के बाद मैं अपनी प्यारी प्यारी दो बेटियों के लिए एक स्पेशल चीज लेके आई हूँ, जो है ये एक स्पेशल वाउचर, और इससे तुम लोग हॉट स्प्रिंग में जा सकते हो। लेकिन वो वाउचर वो लाके दे देती है हमारे नासा को और कहती है कि देखो मैं तो ऐसे बिजी हूँ इस बाथ हाउस का ख्याल रखने के लिए, और आया जो है उसके एग्जाम आने वाले हैं तो वो भी बिजी रहने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों में से कोई जा पाएंगे। और वैसे हाँ तुम और सुकासा तो अपने हनीमून पे भी अभी तक नहीं गए हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपने हनीमून पे अभी जाना चाहिए, तुम तो अभी इसके बारे में कुछ प्लान भी नहीं कर रहे हो। और नासा को ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो जाके सुकासा को बताता है, और सुकासा को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्री में इन्हें घूमने का मौका मिल गया रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। हालांकि सुकासा को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि सबको पता रहता है कि आखिर वहाँ पे क्या होने वाला है हमारे नासा को छोड़ के, और वो सोच रहा होता है कहीं चीटों से फिर से आ जाएगी तो। लेकिन सुकासा कहती है चिंता मत करो चीटों से नहीं आने वाली है इस बार, तुम फ्री रहो एकदम, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और इधर में चीटोसे के दिखाया जाता है जिसे की खबर मिल चुकी रहती है, लेकिन चीटोसे इस बार कहती है कि मैं उनके फैमिली मैटर में कहीं भी नहीं घुसने वाली हूँ। यहाँ पे इसके साथ ही इसे चिढ़ा रहे होते हैं और कह रहे थे वाह
अब तो बहुत मैच्योर हो गई हो, पहले सब चीज बिगाड़ दिया, वापस से ठीक करने वाली हो। आगे हमें और लगता है कि ये लोग जा रहे होते हैं जहाँ नासा एकदम बात कर रहा होता है, ठरकपन वाली बातें कर रहा होता है, और सुकासा को काफी ज्यादा शर्म आ रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस भी रहती है। लेकिन इसे तो मजा आने वाला था, सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड हम लोग नहाने वाले हैं, साथ में नहाएंगे, मजा आ जाएगा। और सुकासा को तो शर्म के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है और काफी ज्यादा नर्वस भी रहती है, बेचारी क्या ही बोल सकती थी। लेकिन जब ये लोग जाते तो सोचते हैं कहीं हम लोग गलत जगह तो नहीं ना पहुंच गए, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा एकदम ब्रांडेड लग रही होती है। लेकिन नहीं, ये लोग एकदम सही जगह पे पहुंचे हुए रहते हैं। अब सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों जाएंगे अलग अलग नहाने के लिए, और यहाँ पे दोनों को ड्रेस भी मिल गया रहता है, तो दोनों ने फैसला किया रहता है अलग अलग नहाने का। अभी फिलहाल अलग नहाएंगे, बाद में दोनों साथ में नहा सकते हैं। तो ये लोग नए शहर में आए रहते हैं और काफी मजे से ये नहा रहा होता है और सोचता है कि अभी मेरे पास 1 घंटा है और सुकासा नहा के निकले, उससे पहले मुझे सब चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इस शहर में जितनी भी चीजें हैं शायद मुझे पता लगाना पड़ेगा, और कहाँ पे घूमने का जगह है, कहाँ अच्छा खाने वाला रेस्टोरेंट है। तो ये सारी चीज़ें एकदम पता लगाने के लिए पहले ही नहा लेता है, क्योंकि इसे अपनी वाइफ को खुश रखना रहता है। और फिर अपने मोबाइल से सारी चीज़ें पूछ रहा होता है और फिर देखता है कि बहुत सारी यहाँ पे जगह रहती है, और ये डिसाइड करता है कि चलो चल कर देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे एक ग्रैंडमा मिल जाती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो अकेले आई है और उन्हें रिसेप्शनिस्ट का रास्ता नहीं पता है, तो क्या वो उसकी मदद करेगा। वो कहता है कि जी मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा, और वो कहती है कि लगता है तुम अपने हनीमून पे आए हो। वो कहता है आपको कैसे पता था। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे रिंग को, इधर ही इनकी मदद करता है। दूसरी तरफ आया कहती है क्या वो लोग रिजॉर्ट में गए हैं, मुझे भी जाना है उनके साथ रिजॉर्ट में, हॉट स्प्रिंग का मजा लेना था। लेकिन वो बताती है का नाम है कि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, और हाँ ये भी तो एक रिजॉर्ट ही है एक तरीके से, ये भी तो बात हाउस है, जब सब चले जाएंगे तो तुम नहा लेना यहाँ पर भी। लेकिन वो रो रही होती, कहती है कि मुझे भी जाना था, लेकिन वो नहीं जा सकती क्योंकि एग्जाम था। तो अब यहाँ पे बाथरूम भी साफ करने वाली रहती है, इसलिए ये इसने ये कपड़े पहन लिए रहते हैं, और कह रही होती कि ये कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी। कनामे कहती है कि एक दोस्त भी आई है तुम्हारी, और यहाँ चिटो से आती है, कहती है कि आखिर हम लोग इन कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और हाँ मैं तुम लोग का ये बाथरूम और ये बाथटब क्यों साफ करूंगी, और ये सब पहनने की क्या जरूरत थी। तो ये लोग यहाँ पे हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, कनामे तो बहुत मजे ले रही होती है। फिर आया और चिटो से पता नहीं अच्छे दोस्त रहते हैं या फिर दुश्मन, दोनों एक दूसरे के चड्डी बड्डी रहते हैं और उतारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों को बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये ग्रैंडमा की यहाँ पे मदद कर रहा होता है, लेकिन यहाँ ग्रैंडमा उसे टीज कर रही होती है, पूछ रही होती है कि तुम्हारा हनीमून पीरियड कैसा चल रहा है, और तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि तो उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, और ये तो एकदम शर्मा गया रहता है। ये ग्रैंडमा की मदद कर रहा होता है रिसेप्शनिस्ट को ढूंढने में, और सोच रहा था कि अभी मेरे पास आधा घंटा है तो चलो मैं इनकी मदद कर ही देता हूँ, और ये वापस से जाना भूल गई रहती है, मतलब कहाँ पे इनका रूम है। तो अब कहता है ठीक है मैं वहाँ पे भी चलने में आपकी मदद करूंगा। तब तक आ चुकी रहती है सुकासा और कहती है कि ओ आप यहाँ पे, वो कहता है क्या तुम इन्हें जानती हो। तब ये बताती है कि हाँ ये है हमारी चिटोसे की ग्रैंड माँ, और इन्होंने ही हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया है, इनकी वजह से ही हम लोग शादी कर पाए हैं। अब वो एकदम घबरा जाता है और कहता है कि ओ प्रणाम, क्योंकि वो इसकी सांसों में लगती है एक तरीके से। और वो जो ग्रैंड माँ रहती है यहाँ पे सुकासा की तारीफ कर रही होती है, मतलब एक तरीके से बेइज्जती कर रही होती है, और नासा हंस रहा होता है और सुकासा उसी की तरफ देख रही होती है। नासा तो घबरा गया रहता है कि कहीं सुकासा उसकी हड्डियाँ ना तोड़ दे। और फिर यहाँ पे जो ग्रैंड माँ रहती है वो सुकासा की एकदम पोल खोल देती है, पूरी धीरे धीरे करके पोल खोल देती है, कैसे ये बहुत ज़्यादा शर्माती और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। हमें पता लगता है कि ये जो ग्रैंडमा है ये बहुत ही अमीर है, मतलब इन्होंने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है और इसलिए ये इतनी ज़्यादा अमीर है, और इनके पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पे ये सुकासा की पोल खोलते हुए ये बता रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि उसने तुम्हें अपना हस्बैंड चुना है, क्योंकि ये लड़की एक नंबर की शैतान है, तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा चूजी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने सही बंदे को चुना है। और हाँ तुमने इसकी मदद भी की थी, मुझे सब चीज़ के बारे में पता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो सुकासा है ये बाहर से दिखलाती नहीं है लेकिन अंदर से ज़रूर बताती है, और हाँ ये लो तुम लोग के लिए ग्रैंड कार्ड्स, इससे तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, मतलब यहाँ हॉट स्प्रिंग में कहीं भी हॉट स्प्रिंग का आनंद ले सकते हो, और तुम दोनों का हनीमून काफ़ी अच्छा बीतेगा। वैसे हाँ ये एक्सप्रेस नहीं करती अपनी फीलिंग्स को, तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा इसका ख्याल रखो। तो यहाँ पर वो नासा को समझा रही होती है, और सुकासा कहती है कि आपको ये सब बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो नासा के सामने सारी चीज़ें बक देती है, तो सुकासा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि प्लीज़ इसके सामने ऐसी ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करिए, और हमें अब कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। वो कहती है कि हाँ अपना तुम लोग ट्रिप इन्जॉय करो, मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही मजाक कर रही थी तुम दोनों के साथ। तो फाइनली ये दोनों जाते हैं और देख रहे होते हैं कि वाह काफ़ी कमाल का है। तो अब ये सोच रहा होता है कि हम दोनों को साथ में नहाना चाहिए, क्योंकि ये मैगजीन पढ़ रहा होता है और सोचता है कि मुझे सुकासा से बोलना चाहिए क्या, हम दोनों को साथ में नहाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा।
वैसे भी तब वो मेरी वाइफ है और यहाँ पे काफी अच्छा कीमोनो पहन के वो आई रहती है, तो बेचारा ठरकी अब ये उसे पूरा शहर घुमा रहा होता है। तो शहर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स रहते हैं जो कि 300 साल पुराने रहते हैं और बहुत ज्यादा पुराने भी रहते हैं। बहुत सारी चीजें रहती है यहाँ पे करने को, खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें रहती है, और ये सोचते हैं कि चिटो से और बाकी सब लोग के लिए भी लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये फोटो क्लिक करना शुरू कर देता है, वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसे मैं मेमोरी के तौर पर रखूंगा और काफी क्यूट लग रही हो तुम। आगे हमें पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी फोटोज वो क्लिक करता है और एक जगह फिर ऐसी आती है जहाँ पर बहुत सारे सस्ते सामान तो नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा महंगे महंगे यहाँ पे सामान रहते हैं, और खाने का आइटम इतना ज्यादा महंगा, मतलब 980 रुपया में एक सीख कबाब रहता है। मगर वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को खिलाकर ही रहूंगा, और फिर वो उसके लिए एक लेके भी आ जाता है जहाँ पे वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा फैंटास्टिक हो, और भी बहुत सारे पासेस रहते हैं, तो ये सोच रहा होता है पासेस के बारे में और कहता है कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा। तो ये एक मॉन्यूमेंट के पास में लेके जाता है जहाँ पे इसे फिर से वही ठरक जाग चुकी रहती है कि कहीं मुझे इससे बोल देना चाहिए कि हम दोनों को साथ में नहाना चाहिए, वो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अपने सपनों में यहाँ पे खोया हुआ रहता है। सुगासा को बिल्कुल पता नहीं रहता है कि आखिर वो उसके पीठ पीछे क्या सोच रहा है, और जब वो कहती है तो ये कुछ भी बहाना बना देता है, उससे फिर से आ जाता है मैगजीन पढ़ने के लिए, और इस बार मैगजीन पढ़ के सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से हिम्मत जुटानी पड़ेगी, मुझे सुगासा से कहना ही पड़ेगा कि मुझे उसके साथ में नहाना है। खैर वो किसी भी तरीके से आ गया रहता है इसके पास में, और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि अब इनका डिनर का वक्त हो चुका रहता है जहाँ पे ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन सोच रहा होता है कि अब डिनर के बाद क्या, मुझे कुछ ना कुछ तो इससे कहना पड़ेगा, अब मैं क्या कहूँ, मैं ऐसे ही तो नहीं जा सकता हूँ। और वो काफी खुश रहती है, सुकासा कहती है कि तुम काफी इंजॉय कर रहे हो, मैं भी काफी ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, अब बस बहुत हो गया रहता है। नासा से अब ज्यादा देर के लिए रुका नहीं जाता है, इसलिए वो सुकासा से कह देता है क्यों ना हम दोनों साथ में नहाए, और जब वो बोलता है तो ये काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। नासा को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, लेकिन जो सुकासा रहती है उसके लिए मान गई रहती है, हालांकि उसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो पहले बाथटब में आ गया रहता है, उसके पीछे पीछे सुकासा आती है और वो लाइट्स ऑफ कर देती है क्योंकि इसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। ये कहती है कि लाइट ऑफ कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो कहता है कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं। ये दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठा हुआ रहता है क्योंकि इसे भी काफी शर्म आ रही होती है, और दोनों साथ में बैठे हुए रहते, काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा साइलेंस इन दोनों के बीच में यहाँ पे रहता है, और गर्मी भी काफी लग रही होती है। सोच रहे होते हैं कि आखिर निकले किस तरीके से इस जगह से, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज एकदम नॉर्मल हो चुकी रहती है, शांत हो गया रहता है, दोनों अपना बातचीत करते हैं और फिर मजे भी कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। और यहाँ नासा तो एकदम सुकासा के प्यार में पागल ही हो चुका रहता है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, और कहता है कि तुम काफी इंजॉय कर रही हो, वो कहती है कि हाँ तुम भी इंजॉय कर रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना शुरू करते हैं, दोनों बहुत मस्त अच्छी तरीके से खेलते हैं। अब सुबह जब होती है तो ये उठता है और रात के बारे में याद कर रहा होता है कि वो क्या मस्त रात थी, और फिर सुकासा उसके पास आती है, कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और ये एकदम डर गया रहता है क्योंकि वो सोच रहा होता है ना। और फिर ये लोग ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, और यहाँ पे वो सोचता है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है, खैर इसके चेहरे से देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सुकासा अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ओ माय गॉड कल रात में इसने मुझे वैसे देख लिया, इसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तो यहाँ पे यही चीज बोल के वो उसे टीज कर रहा है कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और फिर ऐसे करते करते उसे बहुत ज्यादा टीज करता है और कहता है क्यों ना हम लोग एक और बार नहाने चले ना, क्या कहती है इसके बारे में। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम एक नंबर के ठरकी हो, लेकिन अब इनके जाने का वक्त आ चुका रहता है। वो कहता है कि हमें एक बार ग्रैंडमा से मिलना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि हम लोग उससे टोक्यो में भी मिल सकते हैं, वैसे भी वो बहुत ही रिच लेडी है, लेकिन तब तक ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं बहुत बिजी वुमेन हूँ। तो वो कहती है कि तुम यहाँ तब क्या कर रही हो, ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम लोग को गुड बाय कहने के लिए आई थी, और ग्रैंडमा कहती है कि चलो एक तस्वीर भी ले लेते हैं, और हाँ फिर ये लोग एक तस्वीर लेते हैं जहाँ पे ग्रैंडमा काफी खुश लग रही होती है, और ये कहता है कि ग्रैंडमा काफी अच्छी है, चलो अच्छा है कि वो आ गई थी, हमने एक आखिरी तस्वीर भी खिंचवा ली है और अब हम लोग आराम से घर भी जा सकते हैं। वैसे हमारा ये हनीमून काफी अच्छा था और ये काफी मेमोरेबल भी था, अगली बार हम लोग किसी और जगह पे चलेंगे तो काफी बढ़िया इनका हनीमून रहता है, और जो हमारा सुकासा और नासा का ये जो पीरियड है कि काफी अच्छा है। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब सुकासा उसके कंधे पे ऐसे सो गई रहती है और कह रही होती है कि आज मुझे काफी अच्छा लगा, हमने जो साथ में पल बिताए वो पल दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और नासा को भी बिल्कुल यही महसूस हो रहा होता है क्योंकि उसके लिए भी ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल। आज गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और सुगासा को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही होती है, तो वो नासा से कहती है कि क्यों ना हम लोग एयर कंडीशनर लगा लें। नासा कहता है कि हाँ हम लोग जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा। वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, काश एसी होता। तब नासा कहता है ठीक है मैं अभी लगवा देता हूँ। तो यह जाके कनामे को कह रहा होता है कि मैं एयर कंडीशनर लगाऊंगा। कनामे कहती है कि हाँ हम लोग लगवा सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि लगाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। लेकिन नासा कहता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना लगाने के लिए। और फिर वो दोनों सोच रहे होते कि ये बंदा तो सचमुच कमाल का है, मतलब रियली
ये कुछ भी कर सकता है, बस करने वाला चीज होना चाहिए। तो ये लोग एयर कंडीशनर खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये देख ही रही होती है तब तक नासा ने चुन लिया रहता है। वो कहती है मगर इतनी जल्दी? नासा कहता है चिंता मत करो, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है। और हाँ चलो अभी हमें पार्ट्स भी लेने के लिए जाना है। तो ये लोग एक शॉप पे आ गए रहते हैं और ये शॉप यहाँ पे रेंट पे लेंगे ये लोग सामान। तो ये लड़की जो रहती है ये हमारे नासा की पुरानी दोस्त रहती है, और फिर नासा कह रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है सुकासा, और हम लोगों ने शादी कर ली है और हमें एयर कंडीशनर के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए। तो वो लड़की इन्हें पार्ट्स दे रही होती है और सुकासा सोचती है कि इसे बिल्कुल भी घबराहट या फिर कुछ भी अचंभव नहीं हुआ कि हमने शादी कर ली। वाह लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा शांत है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो कहती क्या तुमने शादी कर ली? मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैंने रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब रिएक्शन देने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे लगा था कि तुम मेरे तरह हो, मतलब किसी के ऊपर तुम्हारा क्रश नहीं है, फिर भी तुमने शादी कैसे कर ली? ये लो आज तुम लोग के लिए फ्री में। और फिर नासा बता रहा होता है कि वो सुकासा से किस तरीके से मिला, और सुकासा ही अब उसकी पूरी ज़िंदगी है और सुकासा ने इसकी जान बचाई थी। वो कहती कि वाह तुम दोनों की तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जोड़ी लग रही है मुझे, चलो आज के लिए तुम दोनों का काम मैं फ्री में कर दूंगी। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें वो सुकासा के बारे में बता रहा होता है। सुकासा को तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ गया रहता है, लेकिन नासा को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि इसने एयर कंडीशनर लगा दिया रहता है और ये कहती है मुझे गर्मी लग रही है मैं नहा के आती हूँ। तो वो नहाने के लिए यहाँ चली गई रहती है, और फिर नहाने के बाद आती है कहती है कि अब मज़ा आ रहा है। तो फिर से यहाँ पर किसिंग वाला सीन हो जाता है क्योंकि नासा बहुत ठरकी बंदा रहता है। अब फाइनली सोने का वक्त आ गया रहता है, तो ये लोग एयर कंडीशनर को टाइमर पर सेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ सुकासा को गर्मी लग रही होती है तो वो कहती है और तेज़ कर दो, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दो। तो यहाँ पे वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और फिर एक टाइमर लगा के सो गए रहते हैं कि एक घंटे के बाद जो एसी है वो वापस से बंद हो जाएगा। लेकिन अभी एक घंटा नहीं हुआ रहता है। यहाँ पे नासा को दिक्कत आ रही होती है, इसे नींद नहीं आ रही होती है, तब देखता है अरे इसे भी ठंडा लग रहा है। तो वापस से क्या करता है कि ये कम कर देता है, जहाँ पर वो आराम से सो रही होती है और ये देख रहा होता है, ठरकी बंदा रहता है ना, तो ये वापस से 27 डिग्री पे कर देता है। सोचता है ये सोते हुए कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन फिर से ये उठ गई रहती है क्योंकि एक घंटे बाद एसी बंद हो गया था। ये कहती है कि मुझे और देर एसी चाहिए, तो वो कहता है ठीक है और देर के लिए एसी चला देता हूँ। वो फिर से इसे किस कर देती है, कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, बिना बोले ही मेरी सारी बातें समझ जाते हो। और फिर दोनों आराम से अब यहाँ पे सो गए रहते हैं और एसी रात भर चल रहा होता है। और फिर अगले सुबह यहाँ पे सुकासा को एक लड़की मिलती है जो कहती है कि कनामे, लेकिन सुकासा कहती है कि मेरा नाम कनामे नहीं। वो कहती है कि अपने आप को कनामे ही समझ लो, लेकिन वो कहती है कि मैं क्यों समझूँ कनामे, मैं हूँ ही नहीं कनामे। तो फिर वो लड़की से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं बताने वाली हूँ, तुम कनामे की तरह चोटी क्यों नहीं कर लेती हो, हाँ ताकि ऐसा लगे कि तुम सचमुच की कनामे हो। लेकिन सुकासा कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं कनामे नहीं हूँ। और फिर वो लड़की और इसके बीच में बहुत बहस चल रही होती है, जहाँ वो कहती है कि वो तुम्हें समझाना तो एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ सकती हो। तो वो फिर उसे बता रही होती है, कनामे के बारे में ही सारी चीज़ें बता रही होती है, लेकिन सुकासा को ये सब नहीं सुनना रहता है। तो वो उस पर चिल्ला रही होती है, कहती कैसे नहीं सुनना है, कहती है कि ठीक है मैं कनामे का इंतज़ार कर लेती हूँ। तो फिर ये बैठ के सो गई रहती है, लेकिन तब तक कनामे आ जाती है और वो कनामे से कहती है कि तुम स्कूल गई थी क्या? कनामे कहती है कि स्कूल था इसलिए मैं स्कूल गई थी, तुम क्यों नहीं आई थी? तो वो कहती है कि तुम सभी लोग समर वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे लगा था कि छुट्टी है। कनामे कहती है कि मेरी ये फ्रेंड है, क्लासमेट है, और ये थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की भी है। अच्छा हाँ बताओ आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तब वो कहने लगती है कि अरे ये देखो यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर आ गया रहता है हमारा नासा। नासा बता रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है, और वो सुकासा से इंट्रोड्यूस करवाता है, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी, ये कहता है ठीक है हमने जो पार्ट्स लिए थे मुझे उन पार्ट्स को वापस से शॉप पे देने के लिए जाना है, तो अब मैं चलता हूँ। नासा चला गया रहता है, और यहाँ पर अब ये लोग पूछ रहे थे तुम किस लिए काम जाई थी, तब वो बोलती है कि पहले आइसक्रीम दो फिर मैं बताऊँगी। वो लोग कहते हैं कि ठीक है जाओ जाके आइसक्रीम खरीद लो, वैसे ही आइसक्रीम बीच में कहाँ से आ गई है। तो फिर ये कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, आइसक्रीम लाने के लिए चलती है। और वो चली जाती है यहाँ पर आइसक्रीम लाने के लिए, कहती है कि अब मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लाने के लिए, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगी कि आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है। मगर आधा रास्ता जाने के बाद वो वापस से आती है और पूछती है कि तुम लोगों को कौन सा फ्लेवर चाहिए, तब वो लोग बताते और वो चली गई रहती है। इधर नासा अपना सामान वापस करने के लिए आया रहता है, जहाँ पे ये पूछती है कि मतलब शादी करने के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या क्या तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है? तब नासा बताता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, मैंने भी सोचा नहीं था कि शादी करना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन सही में सुकासा के आने के बाद ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। जैसे कि सुकासा कहती है, बहुत सारी लड़कियाँ कहती है कि जो कवर होता है ना उसे ही देख कर वो लोग कुकीज़ खरीदती हैं। वो कहती है कि क्या कवर देख के कुकीज़ कौन खरीदता है? तब नासा बोलता है कि मेरी वाइफ ये कहती है कि मान लो अगर कवर को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है तो सोचो उसके अंदर के कुकीज़ को कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट और उसका टेस्ट बढ़िया होगा। और हाँ साथ ही साथ वो वार्म वाटर पीती है, चिल वाटर नहीं पीती है क्योंकि उससे के गले में खलाश हो जाता है।
और फिर वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, जहाँ ये सोचती है कि वाह शादी करना तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल भी गए हो। और वो सारी बातें बता रहा होता है कि लड़की आखिर कैसे सोचती है, क्योंकि ये जो लड़की रहती है ये नासा की फ्रेंड रहती है और ये भी बिल्कुल नासा की तरह थी, मतलब इसे भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन अभी इंटरेस्ट ले रही होती है। नासा चला जाता है बाइक कह के और ये सोच रही होती है कि लगता है मुझे भी वाइफ बनानी पड़ेगी, इसका हस्बैंड नहीं बनना चाहता, वाइफ बनाना चाहता है। दिखाया जाता है एक बहुत ही बंजर सी जगह को और यहाँ एक लड़की भी रहती है, हालांकि एक जो छोटी लड़की रहती है मैं बता दूँ कि ये ग्रैंडमा रहती है, और यहाँ पर एक बड़ी लड़की भी रहती है, ये सुकासा रहती है, पूछना मत कैसे मगर ये सुकासा रहती है। और ये ग्रैंडमा को यहाँ पर एक सामान देती है जो कि कुछ खाने का सामान रहता है, और उस चीज़ को लेकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश रहती है। ये सारी चीज़ें ग्रैंडमा याद कर रही होती है क्योंकि उनके पहले की बात रहती है। आगे हम देखते हैं कि टीवी ख़राब हो गया रहता है, तो ये पूछती है कि देखो ना रिमोट में क्या हो गया है, वो कहता है कि वो मुझे देखने दो, और फिर देखते हैं कि ये क्या बैटरी ही, तो बस चेंज करना था, फिर रिमोट ठीक हो जाता है। सुकासा कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होगा ना कि मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। नासा कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो सुकासा उसे बहुत ही बुरी तरीके से सुना डालती है, और नासा एकदम सपने देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये किसी से भी नहीं डरती, मतलब मेरी वाइफ जो है एकदम लड़ाकू टाइप की है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे वो अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई रहती है, तो नासा कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड देख लेता, क्योंकि पहले नासा ने ही पासवर्ड को सेट किया था, और अब सुकासा भूल गई रहती है, तो वो ठीक कर देता और पूछता है कि तुम शादी से पहले क्या करती थी। वो कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती थी, सारा काम तो ग्रैंडमा ही संभालती थी और मैं बस उन्हें देखा करती थी और कुछ भी नहीं। और सुकासा सोच रही होती कि अभी भी सोच रहा हो कि मैं कितनी बड़ी खतीन हूँ, और नासा से फिर कह देती है, लेकिन नासा कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर आगे जाके ये कनामे को बात बता रहा होता है कि देखो कितनी फ़नी है मेरी वाइफ और कितनी ज़्यादा अच्छी है। तब तक यहाँ पे उनके टीचर आ चुके रहते हैं, अपनी टीचर को देख वो दोनों हैरान हो चुके रहते हैं। टीचर यहाँ पे अपने मैरिज के बारे में बताने के लिए आई रहती है कि मेरी शादी होने वाली है, ये दोनों ज़्यादा हैरान नहीं होते और कहते हैं कि हाँ हमें पता है, और किससे होने वाली है ये भी पता है। तो टीचर कहती है कि तुम लोग को कैसे पता है, तब वो बता रहे होते हैं कि हमने उस दिन आप दोनों को पार्क में देखा था। टीचर कहती है अच्छा तो तुम्हें पहले से ही ये सारी बातें पता है, वैसे नासा मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी मैरिज कैसे जा रही है, मतलब पहले से बढ़िया जा रही है, मतलब उसी तरीके से जा रही है, क्या कोई डिफिकल्टी आई थी। नासा तो बोलता है कि नहीं मेरी मैरिज में तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई थी, हम दोनों तो एकदम सिमिलर हैं, एकदम बराबर। तब ये अपने बारे में बता रही होती है कि जो सर से ये शादी करने वाली है, तो एक दिन क्या हुआ कि सर इन्हें रेस्टोरेंट में लेके गए, हालांकि जो हमारी मैम है वो हमेशा अकेले रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन पहली बार वो किसी के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। तो रेस्टोरेंट में तो ये ऐसे ही नूडल्स खाती है, लेकिन जो सर है वो नूडल्स के ऊपर कुछ डाल के खाते हैं, वो रेड वाली चीज़ रहती है, और वो मैम पूछती कि आप ये क्यों खाते हैं, तब सर उसे जवाब नहीं बताते, वो बताते हैं कि आप एक बार खुद खा के देखिए फिर आपको पता चल जाएगा। तो उस दिन मैम ने भी पहली बार ये चीज़ ट्राई की रहती है, और फिर उस दिन से क्या होता है कि मैम को वो चीज़ खाने की आदत सी एकदम लग गई, मतलब इसके बाद जब वो उस रेस्टोरेंट के आगे से गुजरी तो उन्हें लगा कि नहीं मुझे नॉर्मल नूडल्स नहीं मंगाने चाहिए, मुझे यही वाले नूडल्स मंगाने चाहिए। तो वो लोग पूछते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब मैम कहती है कि देखो सर मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं वो चीज़ वैसे डाल के नहीं खाती थी, और मुझे पहले लगता था कि लोग आखिर वैसे डाल के क्यों खा रहे हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि लव सचमुच इंसान को एकदम बदल सा देता है, मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करें क्योंकि अब मैं बदल गई हूँ पहले से, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई उनके साथ रहते रहते। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको ज़रूर पसंद करेंगे, और फिर उन्हें बाय बोल देते हैं टीचर को। अब टीचर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब ये अपना वेट चेक करता है तो इसका वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया रहता है, और सोचता है कि मैरिज के बाद मेरा सचमुच वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये मज़े बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा मज़े करने से वेट भी बढ़ जाता है, मतलब जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसलिए आपका वेट भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो सोचता है कि उसका वेट क्यों नहीं इंक्रीज़ होता है, वो तो इतना ज़्यादा खाना खाती है और वो भी मेरे साथ ही रहती है, तो वो चेक कर रहा होता है, और यहाँ सुकासा को पता लग गया रहता है कि ओह तो ये वेट चेक कर रहा है, अरे तुम तो पहले से मोटे हो गए हो, और कहता है कि रुको मुझे वापस से डाइटिंग करनी पड़ेगी, मैं वापस से फिट हो जाऊंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। सो ये डाइटिंग करने का प्लान करता है, लेकिन यहाँ पे सुकासा कहती है ठीक है मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, जैसा मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ अभी तक वैसे ही मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। नासा भी पूरे जोश में रहता है कि आज तो मैं करके ही रहूंगा, और हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगा। उसके बाद वो कनामे से कह रही होती है यहाँ पे, सो कनामे बताती है कि नहीं ये स्पोर्ट्स में तो अच्छा नहीं था लेकिन स्पोर्ट्स में इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे, और फिर नासा आ जाता और अपने बारे में बड़ा ही छाड़ रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं एक्सरसाइज वैसा कर लेता हूँ इतना ज़्यादा बढ़िया। तो जैसे ही एक्सरसाइज करना शुरू करता है बेचारी की पैंट गीली हो जाती है थोड़ी ही देर में, और सोचता है कि एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल कब से हो गया है। लेकिन जो सुकासा रहती है वो इसे चेयरअप करने के लिए आ रही होती है इसके पीछे पीछे, क्योंकि ये इसकी वाइफ जो रहती है, और कहती है चिंता मत करो। तो यहाँ पे ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ये चिनअप मारना शुरू कर देता है, लेकिन इससे हो नहीं रहा होता है। तो सुकासा कहती है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ क्या, वो कहता है कि नहीं मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सुकासा को बेचारी के ऊपर थोड़ा सा तरस आ रहा होता है, तो कहती है कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ जैसे मैंने पहले तुम्हारी मदद की थी।
और फिर वो कहती कि ज्यादा टेंशन मत लो। आगे हम देखते हैं कि दोनों घर में आगे रहते हैं और दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब तक ग्रैंडमा आ चुकी रहती है और वो कहती है कि अरे आप यहाँ पे हमारे घर में क्या कर रही है। ग्रैंडमा कहती है कि देखो ज्यादा मुझसे बहस मत करो, मैं तुम लोगों को कैंपिंग पे जाने के लिए बुलाने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ कैंपिंग पे चलना पड़ेगा। लेकिन सुकासा कहती है कि हम लोग कैंपिंग पे क्यों जाएंगे आपके साथ, मुझे नहीं जाना है आपके साथ में। पता नहीं वो ग्रैंडमा से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती थी। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि देखो मैं यहाँ पे नासा को बुलाने के लिए आई हूँ और तुम्हें तो मेरे साथ कैंपिंग पे चलना ही पड़ेगा। तो नासा काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है कैंपिंग पे जाने के लिए और फिर ग्रैंडमा यहाँ पे सुकासा को ये कह के टॉर्चर करने लगती है कि देखो अब मेरे पास दिन ही कितने बचे हुए हैं, गिन चुन के तो कुछ दिन बचे हुए हैं और तुम्हें मेरे साथ वो दिन बिता लेने चाहिए। अगर मान लो अगले दिन मैं ना रहूँ तो फिर तुम लोग अपना आराम से दिन बिताते रहना, लेकिन अभी मेरे साथ कैंपिंग पे चलो। तो अब सुकासा इसके लिए रेडी हो गई रहती है, देखा टॉर्चर कर रही थी, और वो जाते जाते ही गिफ्ट भी दे देती है। हालांकि सुकासा को पहले से पता रहता है कि आखिर इस चीज के अंदर क्या है। नासा समझ में नहीं पाता है कि आखिर सुकासा बोलना क्या चाहती है, लेकिन हमें उसी चीज को दिखाया जाता है जो पहले सुकासा ने ग्रैंडमा को दिया था और ये कोई खाने की चीज रहती है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि नासा कहीं पर डूब रहा होता है और उसे वही सारी पुरानी बातें याद आ रही होती है जहाँ पर उसने अपना लव कन्फेस कर दिया था, लेकिन उसके बाद नासा ने क्या कहा था उसे याद नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो गया था और यहाँ पर अपनी नींद से ये उठ चुका रहता है, सुकासा ने इसे उठा दिया रहता है। तो अब ये कैंपिंग पे जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ये कहती है कि हम लोग नॉर्मल कैंपिंग पे जाएंगे क्योंकि हम लोग शिबुया में भी हाई बिल्डिंग पे जा सकते हैं अगर हमें स्टार्स देखने हैं तो, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। तो इनके पास पैम्पलेट रहता है। इधर आया को पता चलता है कि वो लोग कैंपिंग पे ले जा रहे हैं, तो वो कहती है कि मुझे भी कैंपिंग के लिए जाना है, मुझे जाना है, तुम जाके उनसे बोलती क्यों नहीं हो। कनामे कनामे कहती है कि ठीक है जाके बोलती हूँ, तो कनामे जाके बोलती है कि हमें भी आना है। तब वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग सभी को बुला लेते हैं कैंपिंग पे, क्योंकि वो जो जगह है उस जगह को ग्रैंडमा ने खरीद लिया है क्योंकि उन्हें तारे देखने का शौक था, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा अमीर रहती है ग्रैंडमा, समझे। तो अब यहाँ पे सारी प्लानिंग हो चुकी रहती है और सब साथ में जाने वाले थे, तब तक ये भी आ चुकी रहती है, कुमा इसका नाम रहता है, ये छोटी बच्ची जो रहती है, ये कहती है कि मैं भी चलूंगी। खैर सुकासा कहती है कि ठीक है चलना है तो चलो, और हाँ नासा सोचता है कि मुझे जिंगा को भी बुला लेना चाहिए, अगर ये चल रही है तो जिंगा भी आना चाहिए, सब लोग साथ में रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके बाद वो जिंगा को बोलता है तो जिंगा कहता है कि वो लड़की भी वहाँ पे रहेगी, उसका मतलब आया से रहता है क्योंकि आया उसे काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। वो कहता है कि हाँ, और ये बात पता चल गई रहती है चीटोसे को भी, तो चीटोसे भी जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता रहता है कि नासा कैंपिंग में एकदम बेकार रहता है और नासा को कैंपिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ पे मेट सोच रहे होते हैं, लगता है चीटोसे के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया चल रहा है। उसके बाद हमें पता लगता है कि कैंपिंग के दो तरीके के रूट रहते हैं, एक नॉर्मल रूट रहता है और एक हाइकिंग वाला रूट रहता है। तो कुछ लोग कार वाले रूट को पसंद करते हैं जो कार से जाएंगे और कुछ लोग हाइकिंग से जाने वाले रहते हैं। यहाँ कनामे बोलती है कि मुझे तो काम है तो मैं तो कार से ही आऊंगी, आया अब बाकी सब लोग के साथ जाने वाली रहती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और जो छोटी लड़की रहती है वो सबसे ज़्यादा पीछे छूट गई रहती है। जिंगा कहता है कि अब उसे कौन लाएगा, सुकासा कहती है कि चिंता मत करो मैं जाती हूँ और उसे लेके आती हूँ, तुम लोग तब तक आगे बढ़ो। तो ये लोग तब तक आगे बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते कहीं सुकासा पीछे तो नहीं ना रह जाएगी, लेकिन नासा कहता है कि चिंता बिल्कुल भी मत करो उसके बारे में। और आगे हम देख रहे होते हैं कि सुकासा इसे बता रही होती है लिली के बारे में कि लिली का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में। आगे चलते चलते इन्हें मशरूम भी दिखता है, तो वो कह रही होती है कि देखो ये जो मशरूम है ये जहरीला, इसे बिल्कुल ही मत खाना। वो कहती है तब तो स्टोर से भी खरीद के नहीं खा सकती हूँ। वो कहती है कि नहीं स्टोर वाला अलग रहता है लेकिन ये वाला जहरीला मशरूम रहता है, जो स्टोर में मिलता है तुम उसे खा सकती हो। वो कहती है कि वाह तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज है। आगे अब ये लोग बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी पीछे थे। इधर चीटों से मिल गई रहती है और कहती है कि तुम लोग सुकासा की चिंता बिल्कुल मत करो, वो तुरंत ही आ जाएगी क्योंकि उसे बहुत एक्सपीरियंस है। और थोड़ी देर में हम देख रहे होते हैं कि जो सुकासा है वो पहुंच भी गई रहती है, यहाँ पे वो शॉर्टकट से आई हुई रहती है। नासा एकदम हैरान हो चुका रहता, कहता कि तुम इतनी जल्दी आके यहाँ पे कैसे आ गई। चीटों से कहती है कि देखा मैंने कहा ना मेरी बहन बहुत ज़्यादा होशियार है और वो तुरंत ही पहुंच जाएगी। अगले सीन में वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर जो हमारा नासा रहता है कहता है चलो आराम करते हैं, और कि किसी चीज़ के बारे में वही सोच रहा होता है कि पता नहीं उस दिन सुकासा ने मुझसे क्या कहा था, और फिर से इसकी नींद खुल चुकी रहती है। और सुकासा कहती है कि क्या तुम उठ गए, क्योंकि ज़्यादा हाइकिंग करने के बाद इसे नींद आ गई रहती है। अब जो हमारा नासा है वो तो ठर ही रहता है, वो कह रहा होता है कि ये कितनी अच्छी जगह, एकदम शांत माहौल है, चलो हम लोग यहाँ पे किस कर लेते हैं, कोई भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो मना कर रही होती है, ये कह रहा होता है कि अरे चलो ना कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि नहीं पक्का कोई ना कोई देख लेगा। तब तक ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है कि देखा इसलिए मैं कह रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम दोनों मैरिड हो यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मैं कौन होती हूँ तुम लोग के बीच में टांग अड़ाने वाली। फिर ग्रैंडमा अपने बारे में और इस जगह के बारे में बता रही होती है कि ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो कितनी ज़्यादा अमीर है, उन्होंने सिर्फ तारे देखने के लिए इतनी बड़ी जगह को खरीद लिया रहता है।
और बता रही होती कि तुम दोनों अपना आराम से इंजॉय करो, तुम्हारी मैरिड लाइफ है, इतनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तुम लोग को मिली और इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी। तो ग्रैंड माँ तो अभी यहाँ से चली गई रहती है और ये दोनों सोचते हैं कि हमें चलना चाहिए, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है तो दोनों अब अलग जगह पर जा रहे होते हैं क्योंकि जगह बहुत काफ़ी बड़ी रहती है। अब यहाँ एक नदी रहती है तो वो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर वो मूव ही नहीं कर पा रही होती है। अब नासा ठरकी रहता है और कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से सुकासा, तो यहाँ पे वो वापस से शुरू हो चुका रहता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वो कहती है कि वो तुम भी ना। जब उसके बाद वो लोग वापस आते हैं तब पता लगता है कि वो छोटी बच्ची गुम हो गई है, तो उसे ढूंढने के लिए अब सब लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन ये कहती है कि चिंता मत करो यहाँ सीसीटीवी कैमरा और फेंस है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी सब लोग बिखर जाते हैं, लेकिन शाम होती होती ये पता चलता है कि नासा खुद ही यहाँ पे गुम हो चुका रहता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पे मैं गुम हो गया हूँ। तो एक जगह जाता है और बैठने की कोशिश करता है और सोच रहा था कोई ना कोई तो आएगा, और फिर सो जाता है क्योंकि इसे नींद आज बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ज़्यादा मेहनत किया रहता है। पता लगता है कि ये क्या नासा कहाँ पर है, वो अभी तक नहीं आया। हालांकि वो बच्ची आ गई रहती है, वो पॉटी करने के लिए गई रहती है, अब नासा यहाँ पे गुम हो चुका है। तो नासा को सपना आ रहा होता है कि कैसे सुकासा ने उसे बचाया था, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिला था कि सुकासा उससे क्या बोलना चाहती थी। लेकिन तब तक सुकासा आती है और उसे उठाती है, कहती है कि उठ जाओ तुम वापस से सो गए थे। यहाँ पे नासा उठ गया रहता है और सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल उसी रात की तरह है। तो यहाँ पे वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दिया था, मैंने उसी दिन अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी थी और तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। सुकासा कहती है कि तुम नहीं सुन पाए थे तो मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली हूँ, वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत ही प्योर हार्टेड हो और जो इंसान है उनका कोई भरोसा नहीं कि वो कब हाँ बोल दे कब ना बोल दे, लेकिन तुमने अपनी फीलिंग्स को तुरंत ही मेरे सामने उस दिन कन्फेस कर दिया था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और दोनों गिली गुल कर